हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, काफी टाइम से बहुत सारे कमेंट्स आप लोगों के आ रहे हैं कि आप कोई जावास्क्रिप्ट में एक प्रोजेक्ट करिए। जो हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट में पूरी एक सीरीज बनाई एंड बहुत सारे हमने जावास्क्रिप्ट के फीचर्स को लर्न किया है, एंड उसके बाद हमने ES6 की भी पूरी एक प्लेलिस्ट क्रिएट की जिसमें हमने ES6 के फीचर्स देखे थे। तो आपके जो काफी रिक्वेस्ट आई है कि कोई प्रोजेक्ट करें आप जावास्क्रिप्ट में, जिससे कि हमें एक अंडरस्टैंडिंग हो कि जावास्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट किस तरह से हम लोग करते हैं। तो आज फ्रेंड्स हम लोग एक प्रोजेक्ट देखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट में, एंड वो प्रोजेक्ट क्या है? टू डू लिस्ट, मतलब जो आइटम्स हैं हमें टू डू जो काम करने हैं उसके एक लिस्ट बनाएंगे। तो उसके लिए मैं आपको एक डेमो दिखा देता हूँ पहले कि हम क्या प्रोजेक्ट करने वाले हैं, किस तरह की फंक्शनैलिटी है उसमें, एंड इस प्रोजेक्ट को मतलब करने से हम कौन कौन सी चीजें सीखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट में, एंड क्या क्या फीचर्स को यूज करके इस प्रोजेक्ट को हम करने वाले हैं। तो पहले मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ एक। तो ये देखिए, इस तरह का एक इंटरफेस है यहाँ पर टू डू लिस्ट के लिए। तो यहाँ पर एक फॉर्म है एंड एक बटन है, एंड यहाँ पर हमें कुछ लिस्ट कराना है। तो अभी यहाँ पर कोई भी आइटम नहीं है, तो यहाँ एक मैसेज आ गया, नो रिकॉर्ड फॉर्म। अब यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर लिखा जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट, एंड यहाँ से हम एंटर करेंगे इस तरह से, एड आइटम, न्यू आइटम हैज बीन एडेड, एंड यहाँ पर एक आइटम हमें ऐड हो जाता है। अब ये आइटम, मैं एक दो और आइटम यहाँ ऐड कर लेता हूँ। रिएक्ट प्रोजेक्ट करना है हमें, एंड ES6 के फीचर्स, ये एक हमारा टास्क है। इस तरह से कुछ टास्क हमने यहाँ पर ऐड कर लिए, एंड ये टास्क जैसे हमारे टास्क, अब यहाँ अगर हम देखेंगे तो टू डू लिस्ट में हमें जो ऑल में है वही टू डू में, क्योंकि अभी कोई भी टास्क हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है। एंड कंप्लीटेड में अगर जाएंगे तो यहाँ कोई भी अभी टास्क कंप्लीटेड नहीं है। तो हम कहीं भी, अगर हम ऑल में या टू डू में कहीं पर भी हैं, एंड हमने यहाँ पर ये, अगर हमारा टास्क कंप्लीट हो जाता है देन हम इसको मार्क करेंगे कंप्लीटेड। तो हमें जस्ट क्या है, इसको टिक करना है। इस तरह से हमने क्लिक किया, एंड देखिए वो आइटम यहाँ से रिमूव हो जाता है एंड वो फिल्टर होके आ जाता है इस कंप्लीटेड वाले टैब में। ऑल में अगर हम जाएंगे तो यहाँ हमें सारे जो आइटम्स है वो लिस्ट हो जाते हैं, एंड जो आइटम हमारा मतलब यहाँ टिक हो गया दैट मीन्स कि ये कंप्लीटेड है यहाँ पर, एंड वो कंप्लीटेड टैब के अंदर भी फिल्टर हो जाता है। एंड टू डू में हमारे पास दो आइटम है। अगर हम ऑल में जाएंगे, यहाँ से अगर हमने ES फीचर्स वाला एक टास्क है इसको हमने कंप्लीट किया डन, तो देखिए ऑल में तो यहाँ लिस्ट हो रहा है, साथ में अगर हम कंप्लीटेड में जाएंगे तो यहाँ भी देखिए यहाँ पर वो लिस्ट आ गई। इसी तरह से टू डू में अब हमारे पास सिर्फ एक ही आइटम है यहाँ पर। तो इस तरह का हमारा ये प्रोजेक्ट रहेगा। इसमें हम वैलिडेशन भी लगाएंगे यहाँ पर, जैसे कि हमने कहा एड आइटम, तो यहाँ पर अगर कोई आइटम उन्होंने वैल्यू नहीं दिया तो एक अलर्ट मैसेज आ जाता है, एंड हम यहाँ से इस आइटम को अपडेट भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर किया, इसको अगर हम कुछ अपडेट करना चाहते हैं, मैंने जस्ट लिख दिया अपडेटेड, एंटर, आइटम हैज बीन अपडेटेड, एंड यहाँ देखिए वैल्यू जो है वो अपडेट हो जाती है यहाँ पर। यहाँ दोबारा से इसको इस तरह से करेंगे यहाँ पर एंटर, एंड ये देखिए फिर से यहाँ से हम किसी आइटम को रिमूव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। जैसे मैंने एक और आइटम टेस्ट आइटम ऐसे कुछ एंटर करके ऐड कर लिया, एंड अब मैं इसको देखिए यहाँ पर जैसे हम इसको डिलीट करेंगे तो सबसे पहले हमें एक कंफर्मेशन के लिए एक यहाँ पर अलर्ट आता है, आर यू श्योर वॉन्ट टू डिलीट, कैंसिल किया तो डिलीट नहीं होगा। जैसे अगर हमने इसको ओके किया, देखिए आइटम यहाँ से रिमूव हो चुका है एंड हमें एक मैसेज भी आ गया है यहाँ पर। एंड अगर हम इसको रिफ्रेश भी करेंगे तो देखिए वो आइटम हमें अब नहीं मिलेगा। तो इस तरह का जो है हमारा ये प्रोजेक्ट रहेगा। तो इस प्रोजेक्ट को फ्रेंड्स करने से हम लोग क्या क्या सीखेंगे, इसमें क्या क्या हम फीचर यूज करने वाले हैं, तो हम बेसिक जो जावास्क्रिप्ट है वो तो इसमें करेंगे, साथ में हम ES6 के कुछ फीचर्स हम यहाँ यूज करेंगे, जैसे एरो फंक्शन हो गया आपका, लेट कॉन्स्ट हो गए आपके कीवर्ड्स, वो हम यूज करने वाले हैं, एंड साथ में हम लोग देखेंगे डॉम मैनिपुलेशन, मतलब डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में जो एलिमेंट्स हैं उनको किस तरह से हम सेलेक्ट करते हैं, कैसे किस सेलेक्टर को यूज करके हम सेलेक्ट कर सकते हैं, कैसे उनमें उनके एट्रीब्यूट की बेसिस पे उनको सेलेक्ट कर सकते हैं, उनके एट्रीब्यूट को कैसे चेंज करते हैं या उसकी वैल्यू कैसे गेट करना है, कैसे सेट करना है, एंड एलिमेंट्स में हमें क्लासेस किस तरह से
रिमूव कर सकते हैं, ऐड करते हैं या फिर रिप्लेस कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें हमें इसमें करने होंगी, क्योंकि जिस तरह की फंक्शनैलिटी है वो हम सारी चीजें इसमें करेंगे। साथ में हम देखेंगे अरे के बारे में, अरे एंड ऑब्जेक्ट को समझेंगे इसमें कि किस तरह से हम एक अरे में एलिमेंट्स को ऐड करते हैं, रिमूव करते हैं या फिर किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे किसी एलिमेंट को अपडेट कैसे करते हैं। एंड साथ में हम लोग देखेंगे लोकल स्टोरेज, लोकल स्टोरेज में किस तरह से हम अपने डाटा को सेव कराते हैं एंड किस तरह से रिट्रीव करते हैं। तो ये कई सारे फीचर्स हैं जो हम इस प्रोजेक्ट को करने से सीखेंगे एंड हम देखेंगे कि एक्चुअल प्रोजेक्ट में किस तरह से वर्क करते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आप इस प्रोजेक्ट को लेकर काफी एक्साइटेड होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट टू डू लिस्ट। आगे बढ़ने से पहले, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक अपना प्रोजेक्ट डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं, जाते हैं माई कंप्यूटर में एंड यहाँ में डी ड्राइव में जाके अपने प्रोजेक्ट्स डायरेक्टरी में जाके यहाँ पर एक नया डायरेक्टरी क्रिएट कर लेते हैं, टू डू लिस्ट ऐसा कुछ नाम दे दिया हमने, टू डू लिस्ट। एंड अब मैं यहाँ पर जाके VS कोड एडिटर में यहाँ ओपन फोल्डर एंड यहाँ हम दिस पीसी एंड डी के अंदर जाएंगे एंड जहाँ भी हमने अपना प्रोजेक्ट डायरेक्टरी क्रिएट की है टू डू लिस्ट एंड इसको सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर। तो हमारे VS कोड एडिटर में यहाँ पर ओपन हो गया एंड यहाँ पर हम एक HTML फाइल बनाते हैं index.html एंड एक JS फाइल क्रिएट करते हैं main.js फाइल एंड इंडेक्स में हम अपना HTML का जो बेसिक HTML होता है एक इस तरह से HTML हम बना लेंगे। मैं यहाँ पर टाइटल में दे देता हूँ टू डू लिस्ट, इस तरह से टाइटल में हमने दे दिया यहाँ पर। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पर हम CSS के लिए बूटस्ट्रैप का CSS यूज करेंगे। तो बूटस्ट्रैप का CSS हमें कैसे मिलेगा, यहाँ पर हम जाएंगे यहाँ पर गेट बूटस्ट्रैप साइट पे जाएंगे बूटस्ट्रैप की एंड यहाँ देखेंगे आप इंस्टॉलेशन में एंड यहाँ पर आपको ये आपके लिए CSS ओनली अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ से एक इनका CDN ले सकते हैं। मैंने यहाँ से जस्ट कॉपी किया एंड यहाँ हम इस तरह से यहाँ पर CSS ले लेंगे। आप ये चीजें चाहे तो हटा सकते हैं, इंटीग्रिटी के लिए आप रहने दीजिए। इस तरह से स्टाइल हमने यहाँ पर ले लिया एंड हमें कुछ बूटस्ट्रैप के आइकॉन्स भी चाहिए। तो आइकॉन्स के लिए ये वाला देखिए यहाँ पर, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर आपको इंस्टॉल में जाएंगे आप, तो यहाँ आप जाएंगे CDN में, आपको यहाँ पर कॉपी कर सकते हैं आप इसकी जो आइकॉन्स के लिए CDN है बूटस्ट्रैप का वो आप यहाँ से। तो हमने ये भी ले लिया, दो यहाँ से ले लिया हमने एंड अपना जो हम जो ये main.js फाइल है इसको हम बॉडी के बाद, बॉडी के मतलब लास्ट में यहाँ जाके इसको स्क्रिप्ट में, यहाँ पर स्क्रिप्ट सोर्स में main.js यहाँ दे देंगे इस तरह से, इस तरह से। तो सबसे पहले अब हम क्या करते हैं कि हमारा जो जिस तरह से हमने देखा हमारे जो एप्लीकेशन जो हम बनाने वाले हैं जो डेमो में हमने देखा था उसके हिसाब से हमें यहाँ पर एक पहले फॉर्म बनाना पड़ेगा एंड उसके लिए हमें पहले एक कंटेनर में फॉर्म बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर एक डिव लेंगे बॉडी के अंदर, डिव डिव का एक क्लास देंगे एंड ये देखिए डिव के अंदर हमने एक क्लास दिया है कंटेनर एंड कंटेनर क्लास जो है वो बूटस्ट्रैप की क्लास है। अगर आपको इसका देखना है कि कैसे कहाँ से लिया है हमने, तो यहाँ आप जाएंगे गेट एंड यहाँ बूटस्ट्रैप में जाके एग्जांपल्स में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर देखिए आप एक स्टार्टर टेम्पलेट का एग्जांपल है ये एंड ये देखिए ये सेंटर में जो कंटेंट आ रहा है इस तरह का ही हमें चाहिए। तो हमें यहाँ पर कंटेनर क्लास, यहाँ देखिए आप, तो यहाँ जो कंटेनर क्लास है वही हमने यहाँ पर यूज़ किया है।
हमने कंटेनर क्लास ले ली, एंड इसके अंदर हमें क्या करना है, एक div क्लास रो, एक रो बनाएंगे, एंड इस रो के अंदर हमें क्या करना है, एक अगेन एक डिप बनाना है कॉलम के लिए, एंड कॉल, एंड साथ में हमें कुछ और भी यहाँ पर क्लासेस यूज करनी है। तो मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ मैक्स ऑटो डॉट, डॉट क्यों कर रहे हैं, क्यों हम मल्टीपल क्लासेस को ऐड करेंगे, तो हम डॉट के साथ में मल्टीपल क्लासेस मैंने इस तरह से ऐड कर दिया, डॉट एम टी थ्री एंड डॉट टेक्स्ट सेंटर, एंटर करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर क्लास ऐड हो गई इस तरह से। अब ये हमारा मेन कंटेनर है, इसके अंदर हमें, मैं यहाँ पर कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर div डॉट अलर्ट इस तरह से एक क्लास बनाया, एक डिप बनाया, एंड इस डिप के अंदर हमें एक क्लास और देनी है यहाँ पर अलाइन आइटम सेंटर। अब इसके यहाँ पर मैं कुछ भी दे दूँ, यहाँ मैं दे देता हूँ दिस इज अलर्ट मैसेज, इस तरह से हमने यहाँ पर दिया। तो मैं आपको ब्राउजर पर दिखा दूं इसको कि किस तरह से हमारा लेआउट दिख रहा है, तभी हमको ज़्यादा समझ में आएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें लाइव सर्वर हमें ओपन करना है, तो हमने यहाँ पर लाइव सर्वर ओपन विद लाइव सर्वर, लाइव सर्वर के साथ हमने इसको ओपन किया। तो देखिए यहाँ पर हमें, तो इस तरह से हमारा लेआउट बन रहा है। अब मैं इसमें आपको और दिखाता हूँ कि कैसे हम लोग यहाँ पर फॉर्म बनाएंगे। तो यहाँ पर हम एक फॉर्म बनाएंगे, फॉर्म की कोई आईडी दे देते हैं हम, आइटम फॉर्म दे दिया हमने आईडी, एंड ये फॉर्म क्लोज इस तरह से हो जाएगा। एंड इसके बाद यहाँ पर हमें अपना एक फॉर्म के अंदर हम एक टाइटल देंगे, टाइटल में हमने दे दिया टू डू लिस्ट इस तरह से। एंड इसके बाद यहाँ पर हमें एक इनपुट बॉक्स लेना है एंड साथ में एक बटन लेना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक डिव लेंगे, एंड डिव में इनपुट हाइफन ग्रुप, एक बूटस्ट्रैप की क्लास होती है, एंड साथ में क्लास और ले लेंगे एम बी हाइफन थ्री। एंड इसके अंदर हमें क्या करना है, एक इनपुट लेना है, इनपुट टेक्स्ट ले लिया हमने, एंड इस इनपुट का हमने क्या किया, यहाँ पर एक क्लास दे दी बूटस्ट्रैप की क्लास फॉर्म के लिए, फॉर्म कंट्रोल, एंड कोई आईडी दे देते हैं हम इसको, आईडी हमने दिया इस इनपुट के लिए आइटम इनपुट, एंड वैल्यू जो है वो इसकी ब्लैंक है, एंड साथ में कोई एक प्लेस होल्डर देते हैं प्लीज एंटर नेम ऐसे कुछ। तो अभी आप देखेंगे तो ब्राउजर पे देखिए कैसा हमें एक इनपुट मिल गया यहाँ पर इस तरह से, एंड इस इनपुट के साथ हमें यहाँ पर एक बटन भी चाहिए, तो बटन कैसे लगाएंगे वो देखते हैं। इसके बाद जस्ट हमने यहाँ पर लिया बटन, एंड बटन पर हमें क्लास देनी है बी टी एन डॉट बी टी एन हाइफन आउटलाइन हाइफन प्राइमरी, हमने एक क्लास दे दी, एंड इसमें हम टेक्स्ट क्या देंगे एड आइटम। तो देखिए कैसा बन गया हमारा, इस तरह से कुछ हमारे एक इनपुट बॉक्स बन गया है। एंड इस अलर्ट को मैं अभी हटा देता हूँ यहाँ पर, इसमें वैल्यू जो है ब्लैंक कर देते हैं। अभी आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर एक अलर्ट है। एंड इसके बाद अब हमें क्या करना है, ये हमारे एक डिज़ाइन हो गया इनपुट के लिए, जहाँ हमें वैल्यू यूजर से इनपुट करानी है, एंड यहाँ सबमिट करेंगे तो ये वैल्यू हमारी ऐड हो जानी चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो वैल्यू ऐड होंगी वो हम ऐड कहाँ करेंगे वो हमें देखना है। तो सबसे पहले तो ये समझना है कि ये वैल्यू ऐड होके हमें कहाँ सेव करना है, क्या करना है। तो फ्रेंड जो भी हम यहाँ से वैल्यू ऐड करेंगे वो वैल्यूज को हमें क्या करना है, अपने लोकल स्टोरेज, जो विंडो का ऑब्जेक्ट होता है लोकल स्टोरेज, उस स्टोरेज में हमें वैल्यू को सेव करना है, और वो वैल्यू हमेशा हमारे ब्राउजर में सेव रहेंगे जब तक हम उसको डिलीट नहीं करेंगे, और उसका कोई एक्सपायरी नहीं होता है। जो लोकल स्टोरेज होता है उसकी कोई एक्सपायरी नहीं होता जब तक कि आप उसको ब्राउजर से डिलीट नहीं करते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक डिज़ाइन बना लेते हैं, जैसा कि हमने अपने डेमो जो हमने देखा था, जिस तरह से हमने देखा हमारे डेमो जो प्रोजेक्ट में था उस तरह का डिज़ाइन यहाँ पर हम पहले बना लेते हैं, एंड इसके बाद में फिर हम इसमें ऐड करने के लिए कोड अपना जावास्क्रिप्ट का लिखना स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम एचटीएमएल का एक डिज़ाइन कर लेते हैं उस तरह से। तो इस फॉर्म के बाद में यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक यूएलआई टैब ले लेते हैं। तो यूएल क्लास इसमें क्या रहेगा हमारा, नैव एंड नैव हाइफन टैब्स, ये हमारा बूटस्ट्रैप की क्लास है। ये कहाँ से लिए मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर आप यहाँ जाएंगे बूटस्ट्रैप के अंदर, एंड यहाँ आप डॉक्स में देखेंगे तो यहाँ पर टैब्स के लिए आप देखेंगे, नैव एंड टैब्स में आप जाएंगे तो हमें कौन सा लेना है यहाँ से, नैव एंड टैब जो हमने यूज़ किया है वो है हमारा ये वाला पार्ट है। तो
हम चाहे तो यहाँ से कॉपी करके भी यूज कर सकते हैं इसको। यहाँ हमने इसको जस्ट यूएल इसको मैंने इस तरह से पेस्ट कर दिया, एंड अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो हमारा जो डिज़ाइन है वो कुछ इस तरह से बन जाता है। तो इस तरह से हमने अपना टैब बना लिए, एंड इसके बाद हमें यहाँ पर क्या चाहिए, लिस्ट चाहिए अपने। तो लिस्ट के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पर, अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आइटम लिस्ट, एंड इसको कमेंट कर देते हैं, इससे समझ में आएगा। अब हमें यहाँ पर बनाना है यूएल क्लास लिस्ट हाइफन ग्रुप, एंड लिस्ट हाइफन ग्रुप हाइफन फ्लश। हमने ये एक बूटस्ट्रैप की क्लास यूज की यहाँ पर यूएल पे, एंड इस यूएल के लिए यहाँ पर हम कोई आईडी भी दे सकते हैं। आईडी हमने दे दी यहाँ पर आइटम्स लिस्ट, एंड यहाँ पर फ्रेंड्स अब हमें एलआई लिखना है। तो यहाँ हम एक एलआई लेते हैं इस तरह से, एंड इस एलआई के लिए हम एक क्लास दे देते हैं। क्लास क्या होगी हमारी यहाँ पर, होगी लिस्ट ग्रुप आइटम। ये भी बूटस्ट्रैप की क्लास है, लिस्ट के लिए होती है, लिस्ट आइटम्स के लिए। एंड साथ में हमने एक और दिया है यहाँ पर क्लास, हमने देना है डी फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन एंड अलाइन आइटम्स सेंटर। फ्रेंड्स ये कहाँ से हमने लिया है मैं आपको दिखा देता हूँ, ये चीज़ हमने कहाँ से ली बूटस्ट्रैप में। आप यहाँ जाएंगे, यहाँ देखिए लिस्ट आइटम्स लिस्ट ग्रुप में आप जाएंगे यहाँ पर, तो हमने ये जो पार्ट जो आप देख रहे हैं वो हमने लिया है यहाँ से, ये वाले देखिए आप यहाँ से, तो ये वाले इस तरह से हम बना रहे हैं यहाँ पर, जो आप देख रहे हैं यहाँ पर फ्लश कर लिया है ये इस तरह से लिया है हमने। एंड इस एलआई के अंदर हमें क्या करना है, हमें दो चीज़ करनी है, एक तो हमें स्पैन, एंड यहाँ पर स्पैन के अंदर हमें क्या करना है, अपना जो कोई देना है मीन्स कुछ टास्क वन ऐसे कुछ दे देना है हमें, एंड सेकेंड एक स्पैन लेंगे हम, एंड इस स्पैन में हमें क्या करना है यहाँ पर तीन एंकर लेना है हमें, डिलीट क्या है इस तरह से अगर हम इसको अभी बोल दें तो देखिए डिज़ाइन हमारा कैसा दिखता है। यहाँ पर एक टास्क आ गया है, एंड ये अलाइन नहीं है प्रॉपर अलाइन नहीं है, उसके लिए हम देखते हैं कि क्यों नहीं है। यहाँ पर हमने यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक कर दी फ्लेक्स की, इसलिए ये हमारा प्रॉपर अलाइन है। अभी देखिए टास्क वन इस तरह से यहाँ पर हमारे बटन्स आ जाएंगे। अब हमें आइकन्स लेने हैं यहाँ पर, तो आइकन्स जो आपने देखे यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, बूट स्क्रिप की जो आइकन्स हैं वो ये वाली साइट है, एंड यहाँ से आप आइकन्स देखेंगे। तो हमने जो आइकन्स लिया था वो कौन से लिया था, तो चेक का अगर आप देखेंगे यहाँ पर चेक सर्कल वो ये वाला बार ये बटन है, यहाँ से हमने ये जो आइकन लिया है तो आप इसको कॉपी कर लें। यहाँ पर हमने सी एस एस ऑलरेडी इंक्लूड की हुई है, अगर मैं यहाँ पर इसको दे देता हूँ तो देखिए हमारा कैसे दिखने लगेगा, इस तरह से आ गया यहाँ पर। एंड नेक्स्ट फ्रेंड्स यहाँ पर एडिट के लिए है, तो एडिट के लिए हम देख लेते हैं आइकन कौन सा है एडिट के लिए। एडिट के लिए यहाँ पर देखिए ये पेंसिल स्क्वायर वाला ले लेते हैं हम यहाँ से, ये हमने यहाँ पर इस तरह से रख दिया। एंड इसी तरह से हम डिलीट करने के लिए भी देख लेते हैं यहाँ पर, डिलीट का देखिए मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ क्रॉस वाला, एंड इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अभी आप देखेंगे तो हमारा कुछ इस तरह से यहाँ पर बन गया यहाँ पर। अब हमें यहाँ पर कलर देना है, इनको कौन से कलर ले सकते हैं हम वो देख लेते हैं। जैसे हमें यहाँ पर लाइट ग्रीन चाहिए, एंड यहाँ पर कुछ लाइट ब्लू चाहिए, एंड इसको हम रेड कर सकते हैं यहाँ पर। तो उसके लिए मैं कुछ यहाँ पर एक कस्टम यहाँ पर कुछ क्लास बना देते हैं हम, मैं यहीं पर लिख देता हूँ यहाँ पर हेड के अंदर, एंड स्टाइल के अंदर हम कुछ क्लास रेड दे दिया, कलर लाइट कर्ल, लाइट कर्ल कलर ले लेते हैं रेड के लिए यहाँ पर। एंड इसी तरह से हमने यहाँ पर लिया एक क्लास ली ग्रीन, ग्रीन क्लास लेते हैं, एंड एक ब्लू क्लास ले लेते हैं। तो ब्लू में हमें क्या करना है यहाँ पर, स्काई ब्लू, एंड ग्रीन में लाइट ग्रीन। इस तरह से हमने यहाँ पर तीन क्लासेस अभी बना लिए। तो ये ग्रीन हम किस में देते हैं, यहाँ पे मैं दे देता हूँ क्लास जो टिक वाला है उसका हम कह देते हैं ग्रीन, एंड इसको यहाँ पर ब्लू, एंड डिलीट वाले के लिए रेड। तो अभी देखिए हमारा जो डिज़ाइन है वो किस तरह से इस तरह से दिखने लगता है यहाँ पर। एंड यहाँ का हमको ये जो हमारा जो
फॉन्ट है इसको थोड़ा और बढ़ाना चाहते हैं, तो हम इस आईडी के बेसिस पे भी इसको स्टाइल दे सकते हैं, या फिर ये लिस्ट ग्रुप वाले जो है इसको भी कर सकते हैं। तो मैं चाहें तो लिस्ट ग्रुप से भी कर सकता हूँ। यहाँ पर मैंने यहाँ पर क्या किया, लिस्ट ग्रुप, एंड यहाँ पर हमने दे दिया फॉन्ट साइज 1.5 आरएम। आरएम में देंगे तो देखिए हमारा किस तरह से अब ये कुछ बड़ा यहाँ दिखने लगा। हम अपने अकॉर्डिंग फॉन्ट कर सकते हैं, मैंने इतना किया, आप चाहें तो इसको और छोटा कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो हमें थोड़ा अच्छा लग रहा है, थोड़ा हमने बड़ा साइज कर लिया है, यहाँ पर हमें अच्छे से लगे दिखेगा। तो इस तरह से अब मैं इसकी कुछ कॉपीज़ कर लेता हूँ तो आपको एक्चुअल पता चलेगा कि हम इस तरह का डिज़ाइन हमारा आ गया। तो मैंने इसकी दो कॉपी कर लेता हूँ। देखिए इस तरह से हमारे यहाँ पर टास्क जो है, जो भी आइटम्स है वो लिस्ट हो जाएंगे। तो अब हमारा डिज़ाइन जो है वो ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो गया है, जो हमें चाहिए रिक्वायर्ड। एंड इसके बाद अब हम साथ के साथ इसमें ऐड करते रहेंगे। अब हम एक्चुअल अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं आइटम को ऐड करने के लिए, कि कैसे हम इसमें एक आइटम ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स उसके लिए हमने अपने यहाँ पर मेन को इंक्लूड कर लिया है। मैं चाहे तो यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कुछ कंसोल में करके, कि कंसोल में हमारी ये फाइल जो है टू डू लिस्ट कैसे, मतलब एक्चुअल ये कॉल हो रही है या नहीं हो रही है। तो यहाँ देखिए टू डू लिस्ट आ गया हमने जो कंसोल में लॉक किया था। एंड मैं इसको नीचे कर लेता हूँ फ्रेंड, जिससे हम अच्छे से देख पाएंगे। ओके, तो अब हम यहाँ पर अपना स्टार्ट करते हैं इसकी कोडिंग, जावास्क्रिप्ट में कैसे करना है इसको। मैं इसको हटा देता हूँ। तो सबसे पहले हमें इस फॉर्म में, मतलब ये जो फॉर्म है एंड ये जो एलिमेंट्स है, तो सबसे पहले हमें वो एलिमेंट्स को सेलेक्ट करना है। मतलब कैसे हम जो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल डॉम की जो एलिमेंट्स हैं उनको कैसे सेलेक्ट करते हैं। तो मैं कुछ एलिमेंट्स को सेलेक्ट कर लेता हूँ पहले, एंड इसके बाद में हम बाकी चीज़ें करेंगे। तो जैसे हमने यहाँ पर एक अलर्ट के लिए यहाँ दिया है, मैं इसको कुछ एक आईडी दे देता हूँ जिससे कि हम इजीली इसको सेलेक्ट कर पाएंगे। तो यहाँ मैं दे देता हूँ मैसेज करके इसकी आईडी दे दी है हमने, एंड यहाँ पर हमने इसकी आईडी, अब मैं देखिए कैसे यहाँ पर इसको, तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, सेलेक्ट एलिमेंट्स डॉम में कैसे हम सेलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो मैंने यहाँ पर लिया फॉर्म के लिए हमें, तो कॉन्स्ट फॉर्म इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट, एंड डॉक्यूमेंट का एक मेथड होता है क्वेरी सेलेक्टर, एंड यहाँ पर हमें क्या होता है वो सेलेक्टर देना होता है। सेलेक्टर क्या होता है, या आईडी, क्लास इस तरह से, या कुछ भी दे सकते हैं। तो हमारे पास में हमने इस फॉर्म की आईडी दी थी आइटम फॉर्म, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ यहाँ पर कैसे हमने यहाँ जो एक फॉर्म लिया था इसकी एक आईडी दी थी आइटम फॉर्म। तो हमने इसको इस तरह से सेलेक्ट कर लिया, एंड इसी तरह से हम यहाँ पर जो हमारा इनपुट है, इनपुट आइटम की हमने आईडी क्या लिया है यहाँ पर आइटम इनपुट, तो हमने इस तरह से यहाँ पास कर दिया। तो ये भी हमने सेलेक्ट कर लिया। इस तरह से हम यहाँ पर इनपुट आइटम में जो है जो एलिमेंट है वो सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से इस तरह से। एंड इसके बाद में हमने क्या लिया, कॉन्स्ट आइटम्स लिस्ट, एंड आइटम्स लिस्ट कैसे हम सेलेक्ट करेंगे, आइटम्स लिस्ट हमारा ये है यूएल वाला जो है, तो हमने इसकी कॉपी कर लिया इस आईडी से, एंड इसको भी इसी तरह से डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, एंड यहाँ पर हम हैश से आईडी दे देंगे इस तरह से, एंड इसको मैं सेव कर देता हूँ। एंड यहाँ पर हमारा जो ये नेविगेशन है, ये जो टैब जो दिया हमने, इस टैब के लिए भी यहाँ पर हम क्लास से कर सकते हैं, चाहे तो हम नेव टैब से क्लास इससे इससे सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर हम नेव आइटम से यहाँ से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। सारे के लिए कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, कॉन्स्ट फिल्टर्स दे दें इसका नाम, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑल, हमें ऑल करना होगा क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल हमें मिलेंगे, एक लिस्ट मिलेगी नोड लिस्ट, क्योंकि यहाँ पर हमारे जो ये एल आई हैं वो तीन है, तो उनको किस तरह से हमें करना है वो हम नैव आइटम से करेंगे। तो क्वेरी सेलेक्टर ऑल में एक अरे मिल जाता है इस तरह से, ठीक है। तो ये हमने कुछ एलिमेंट को इस तरह से सेलेक्ट कर लिया है, एंड एक वेरिएबल में ले लिया है उनको, एंड आगे अब जैसे जैसे होगा हम साथ में यूज करते रहेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, क्रिएट एन एम्प्टी आइटम्स लिस्ट, जैसे एक एम्प्टी अरे ले लेते हैं हम, लेट टू डू आइटम्स इक्वल्स टू एम्प्टी अरे। इनिशियली हमारी जो आइटम्स की लिस्ट है वो एम्प्टी है, एंड इसके बाद फ्रेंड्स हमें क्या करना है, हमको अब यहाँ से कोई वैल्यू जो है यहाँ से कोई एक वैल्यू एंटर करनी है,
एंड यहाँ ऐड बटन पे क्लिक करेंगे तो वो वैल्यू जो है हमारी सेव हो जानी चाहिए। कहाँ सेव होगी? लोकल स्टोरेज में हमें सेव करना है उसको। तो उसको कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो हमें ये चेक करना है कि हमारा जो इवेंट है, मतलब ये फॉर्म सबमिट वाला जो इवेंट है, वो हमें ऐड करना है सबसे पहले तो। एंड उससे ही पहले हमें ये करना है कि वो इवेंट भी कब होना चाहिए, जब हमारा डॉक्यूमेंट, मतलब जो डॉम का कंटेंट है वो प्रॉपर लोड हो जाएगा तब। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट ऐड इवेंट लिस्नर, एंड इवेंट कौन सा होगा, डॉम कंटेंट लोडेड। इस इवेंट के, मतलब डॉम का जो कंटेंट है वो प्रॉपर लोड हो जाएगा, देन हम इसके आगे कुछ करेंगे। एंड इसके आगे हम क्या करेंगे कि हमारा जो ये फॉर्म है, इस फॉर्म में हमें इवेंट, इसका जो इवेंट है सबमिट, उस सबमिट इवेंट पे हमें चेक करना है। तो किस तरह से करेंगे, फॉर्म डॉट एड इवेंट लिस्नर, एंड यहाँ पर इवेंट कौन सा हो जाएगा, सबमिट। एंड इसके बाद यहाँ पर हमें इस तरह से यहाँ पर एरो फंक्शन, एंड इस तरह से, आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे क्या कर रहे हैं हम। यहाँ से मैंने ई इवेंट पास किया है, एंड जस्ट यहाँ पर इसको इस तरह से, एंड हमने क्या किया, ई डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट, मतलब इसका जो डिफॉल्ट बिहेवियर है उसको हमने, उससे प्रिवेंट कर दिया इसको। एंड यहाँ पर हमें क्या करना है, कॉन्स्ट आइटम नेम, मतलब जो आइटम, जो वैल्यू है आइटम की, वैल्यू या वैल्यू कह सकते हैं, नेम कुछ भी ले लें यहाँ पर। एंड ये देखिए इनपुट, जो हमने इनपुट लिया था, इनपुट आइटम, इसकी वैल्यू हमें चाहिए। तो हम इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर इनपुट आइटम डॉट वैल्यू, इस तरह से यहाँ पर हम इसकी वैल्यू को गेट कर सकते हैं यहाँ पर। एंड साथ में मैं यहाँ पर फ्रेंड्स इसको ट्रिम भी यूज़ कर लेता हूँ, कि जैसे कोई अगर इसमें कोई स्पेस वगैरह यूज़ करेगा तो वो हम ट्रिम कर सकते। तो अगर जस्ट हम इसकी अभी वैल्यू को मैं कंसोल करना चाहता हूँ कि ये जो वैल्यू हम एंटर कर रहे हैं वो मिल भी रही है हमें या नहीं मिल रही है, आइटम ने कंसोल में हमने कर लिया। अब मैं यहाँ पर डाल देता हूँ इस तरह से, प्रोजेक्ट वन एंड एड आइटम। देखिए जैसे मैंने यहाँ बटन पे क्लिक किया तो हमें यहाँ पर कंसोल में वो वैल्यू मिल रही है। तो अब हमें क्या करना है, इस वैल्यू को ही हमें सेव करना है। एंड इससे पहले हमें ये भी चेक करना है कि अगर ये वैल्यू हमें, अगर वैल्यू नहीं है तो हम कोई एक अलर्ट मैसेज देंगे, जिसमें हम ये बोलेंगे कि हमें प्लीज एंटर वैल्यू या कुछ भी एक मैसेज देंगे यहाँ पर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले चेक करेंगे आइटम नेम डॉट लेंथ इक्वल्स टू जीरो, देन हमें यहाँ पर क्या करना है, एक मैसेज देना है, या फिर हमारा जो अलर्ट है वहाँ पर हम अलर्ट में दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कुछ अभी कंसोल कर देता हूँ फिलहाल के लिए, कंसोल डॉट लॉग, एंड बाद में इसको हम लिख लेंगे यहाँ पर, प्लीज एंटर आइटम वैल्यू या फिर एंटर नेम कुछ भी इस तरह से, या इसको हम अलर्ट करा लेते हैं, अलर्ट इज बेटर, अलर्ट बेटर रहेगा हमें दिखेगा। एंड एल्स केस में यहाँ पर हमें, एल्स में हमें जो ये वैल्यू है हमारे पास में उसको हमें सेव करना है, कहाँ करना है, लोकल स्टोरेज में करना है। तो उसके बाद हमें यहाँ पर जो वैल्यू मिल जाएगी हमें, अगर तो हमें यहाँ पर क्या करना है, एक कॉन्स्ट आइटम का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। एंड इस ऑब्जेक्ट में फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट में क्या है, एक प्रॉपर्टीज है, उसकी वैल्यू होती है। तो यहाँ पर एक, जैसे हमने लिया नेम, एंड इस नेम में हमने यहाँ पर कुछ वैल्यू, कौन सी वैल्यू दी, आइटम नेम, एंड साथ में एक प्रॉपर्टी और रख दी हमने इज डन, एंड इसको बोल दिया फॉल्स बाय डिफॉल्ट। इज डन से हम ये चेक करेंगे कि जो टास्क हमारे कंप्लीट हो गए वो इज डन उसका जो है ट्रू रहेगा, एंड जो अभी टू डू है वो फॉल्स होंगे। एंड एक साथ में हमने ये दे दिया एडेड एट, मतलब किस टाइम पे हमने ऐड किया था, एंड इसको किस तरह से देंगे, टाइम न्यू डेट एंड गेट टाइम, गेट टाइम से मतलब करंट टाइम को हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। एंड यहाँ पर कुछ एरर आ रही है, क्यों आ रही है एरर, ओके हमें यहाँ पर एक क्लोजिंग, इस तरह से। तो इस तरह से हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, एंड इस ऑब्जेक्ट को हमें यहाँ पर क्या करना है, सेव करा देना है। कहाँ इसको सेव, किस में करना है, फिलहाल तो हमें इस जो हमारे अरे है ये टू डू आइटम्स वाले, इस अरे में हमें पुश करना है। कैसे पुश करना है, टू डू आइटम्स डॉट पुश मेथड अरे का होता है। एंड यहाँ पर हमें आइटम ऑब्जेक्ट को इस तरह से पास कर देना है। एंड जैसे ये पास होगा उसके बाद में ये हमारी जो टोटल जो अरे बन रहा है उस अरे को हमें लोकल स्टोरेज में उसको सेव करना है। तो लोकल स्टोरेज में सेव करने के लिए हम यहाँ पर एक, इसके बाद में जस्ट यहाँ पर मैं एक सेट इन लोकल स्टोरेज, तो यहाँ पर हम एक फंक्शन एक्सप्रेशन, यहाँ पर एक फंक्शन बना देते हैं सेट लोकल स्टोरेज। तो मैंने यहाँ पर किया कॉन्स्ट सेट लोकल स्टोरेज इक्वल्स टू फंक्शन, एंड इस फंक्शन में यहाँ से हम क्या पास करने वाले हैं, टू डू आइटम्स को यहाँ पास करेंगे। एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, लोकल स्टोरेज डॉट
सेट आइटम एंड लोकल स्टोरेज क्या होता है हमारा, एक हमारे यहाँ पर की वैल्यू पेयर होता है, यहाँ पर हमें एक क्विक की देनी है एंड इसकी वैल्यू देनी है। तो हमें यहाँ पर हमने इसकी की जो है वो दे दी टू डू आइटम्स एंड इसकी जो वैल्यू है टू डू आइटम्स, मतलब ये तो इसकी की होगी एंड ये इसकी वैल्यू होगी। एंड साथ में हमें इसको क्या करना है, ये जो टू डू आइटम्स को इनको, क्योंकि ये हमारा एक, हमें इसको जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई करना है, इस तरह से सेव कराना है हमें यहाँ पर। एंड इस जो हमने ये फंक्शन एक्सप्रेशन लिखा है, इस फंक्शन में हमें क्या करना है, जस्ट इसके बाद में यहाँ पर इसको कॉल कर लेना है अपना। तो हमने यहाँ पर कर दिया इस तरह से, जस्ट इसके बाद यहाँ पर, एंड इसमें हमने अपने टू डू आइटम्स को पास कर दिया इस तरह से। तो ये हमारा लोकल स्टोरेज में सेव हो जाना चाहिए। एंड जैसे ये सेव हो जाएगा तो पहले इसको करके देखते हैं कि क्या होता है। तो ये हमने इस तरह से रिफ्रेश हो गया ये। एंड यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट 1। एंड जैसे हमने यहाँ पर किया एड आइटम, एंड इसके बाद हम यहाँ देखते हैं एप्लीकेशन में जाएंगे एंड यहाँ लोकल स्टोरेज में, लोकल स्टोरेज में लोकल होस्ट में। तो यहाँ देखिए एक की है एंड इसकी एक वैल्यू है। तो टू डू आइटम्स में हमारा एक वैल्यू ऐड हो गई है। एंड यहाँ अगर हम देखेंगे तो एक अरे है, अरे ऑफ ऑब्जेक्ट है यहाँ पर। अभी मैं एक और कोई यहाँ पर ऐड करता हूँ प्रोजेक्ट 2 करके एंड इसको ऐड करता हूँ। तो यहाँ देखिए दो आइटम हो गए हमारे पास में, ये देखें यहाँ पर, तो दो हमारे मीन्स यहाँ पर जो अरे में दो ऑब्जेक्ट हैं एक अरे में, एंड इनको हमें गेट करना है। तो हम सबसे पहले अब इसको हम गेट कर लेते हैं, बाकी चीज़ें हम धीरे धीरे इसमें ऐड करेंगे। तो अब जो हमने यहाँ पर इसको सेट कर दिया है, तो अब ये जो रिकॉर्ड है उनको हमें गेट करना है लोकल स्टोरेज से, कैसे हमें फैच करना है। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप जानते हैं कि जो फंक्शन एक्सप्रेशन है उसके अगर हम यूज़ करते हैं तो वो पहले फंक्शन जो है जो भी हम बनाते हैं उसका टॉप में डिक्लेरेशन होना चाहिए, मतलब जो डिफाइन होना चाहिए तभी आप उसको यूज़ कर पाएंगे। तो हम जितने भी यहाँ पर मैं फंक्शन लिखने वाला हूँ फंक्शन एक्सप्रेशन में, मैं एक के टॉप में करता चला जाऊँगा। तो मैं इसके बाद में फैच वाला लिखता हूँ यहाँ पर, मैंने यहाँ पर किया गेट लोकल स्टोरेज फ्रॉम द पेज, मतलब हमारे जो ब्राउजर से मैं गेट लोकल स्टोरेज से डाटा को फैच करना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक फंक्शन एक्सप्रेशन लिखा गेट लोकल स्टोरेज इज इक्वल टू फंक्शन, इस तरह से जस्ट। एंड यहाँ पर हमने क्या किया कॉन्स्ट टू डू स्टोरेज एक कोई वेरिएबल ले लिया, एंड यहाँ पर हमने किया लोकल स्टोरेज, जैसे हमने सेट करने के लिए सेट आइटम इसका जो मेथड था वो यूज़ किया था, एंड गेट करने के लिए हम गेट आइटम ये मेथड यूज़ करेंगे लोकल स्टोरेज का। एंड यहाँ पर हमें वो की देनी होगी, की हमारी कौन सी थी, की हमने ली थी टू डू आइटम्स। तो जस्ट मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पर इस तरह से। एंड इसके बाद में जो ये जो हमें मिला है यहाँ पर, इसको हम पहले चेक करेंगे कि इसमें वैल्यू है भी या नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे टू डू स्टोरेज इक्वल्स टू, इसको ये चेक करेंगे एक तो ये अनडिफाइंड तो नहीं है पहले, अगर अनडिफाइंड है या फिर नल है, दोनों ही कंडीशन में हमें क्या करना है यहाँ पर, हम बोल देंगे कि हमारा जो टू डू आइटम्स है इसको हमने बोल दिया एम्प्टी है, मतलब ये एम्प्टी है। एंड एल्स केस में हम क्या कहेंगे टू डू आइटम्स इक्वल्स टू डू आइटम्स एंड साथ में ये जो टू डू स्टोरेज एंड इसको साथ में हमें क्या करना होगा जेसन डॉट पार्स भी करना पड़ेगा हमें इसको यहाँ पर, क्योंकि हमने स्ट्रिंगिफाई किया था जब हम सेव कर रहे थे तब। तो इस तरह से हमें यहाँ पर आइटम्स मिल जाएंगे। अब ये जो आइटम्स यहाँ पर हैं हमारे, हमने क्या किया कि टू डू आइटम्स में इसी अरे में हमने ये वाली वैल्यू को सेट कर दिया है। अब अगर हम यहाँ पर जस्ट मैं इसको कंसोल में इसके जस्ट बाहर कंसोल डॉट लॉग एंड टू डू आइटम्स को यहाँ पर एंड मैं जस्ट यहाँ लिख भी देता हूँ कि मैं ये वाली वैल्यू को देख रहा हूँ आइटम्स। एंड यहाँ पर देखिए जब मैं इसे कंसोल करता हूँ यहाँ पर, एंड ये गेट लोकेशन स्टोरेज इसको हम क्या करेंगे, इसको सबसे नीचे, मतलब ये जैसे ही हमारा डॉम कंटेंट लोड होगा सबसे पहले, मतलब इसको हमें कॉल करना है। इससे क्या होगा कि जो डाटा है वो हम इसको रिट्रीव कर रहे हैं लोकल स्टोरेज से, वो लिख देता हूँ यहाँ पर लोड आइटम्स, मतलब लोकल स्टोरेज से पहले हम
वो रिट्रीव करके ले आएंगे। तो क्या होगा कि हमारे इनिशियली अगर ये कुछ नहीं तो एम्प्टी रहेगा, एंड अगर लोकल में कुछ है तो लोकल में जो भी हमारे आइटम्स है वो इस अरे में आ जाएंगे। एंड उसके लिए हमने बाई डिफॉल्ट लिख दिया है, जैसे ही हमारा डॉम कंटेंट लोड होता है मतलब, तो ये सबसे पहले हमारे रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। तो अगर मैं यहाँ पर अभी ये देखिए कंसोल करते हैं, तो यहाँ पर हमारे आइटम्स आ चुके हैं। यहाँ पर आइटम्स में हमारे दो आइटम है यहाँ पर। एंड अब ये जो आइटम्स हैं इनको हमें क्या करना है, लिस्ट कराना है। कैसे लिस्ट कराना है? इस तरह से लिस्ट कराना है जैसे ये है। तो हमारा एक काम और ये होना चाहिए कि जैसे ही हमारा डॉम का कंटेंट लोड होता है तो ये सबसे पहले हमें निकालना है कि अगर हमारे पास कुछ लोकल स्टोरेज में आइटम्स हैं तो पहले उनको हम फैच करें और इस तरह की लिस्ट में लिस्ट कराएं उनको। तो अब हमें क्या करना है यहाँ पर, तो अब लिस्ट के लिए मैं आपको यहाँ पर एक फंक्शन बना लेते हैं इसके लिए। तो मैं जस्ट इसके नीचे यहाँ पर एक कॉन्स्ट गेट लिस्ट फंक्शन रहेगा, एक फंक्शन एक्सप्रेशन। एंड यहाँ से हम पास क्या करेंगे, इसमें आइटम्स को पास करेंगे अपने। तो यहाँ हम पास करेंगे टू डू आइटम्स एज पैरामीटर लेंगे, एंड यहाँ पर हमें उनको लिस्ट कराना है। तो कैसे कराएंगे, तो सबसे पहले तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमें क्या करना होगा कि हमारे जो आइटम लिस्ट है, हर बार में हमें क्या करना होगा कि हमारी जो आइटम की लिस्ट है, ये वाली जो लिस्ट है यूएल के अंदर, इसको पहले तो हमें एम्प्टी करना होगा हर बार। मतलब जब भी हम लोड कराएंगे अपने कंटेंट को, तो ये सबसे पहले होना चाहिए कि एम्प्टी हो, एंड उसमें फिर हमारे जो आइटम्स हैं वो ऐड होते चले जाएं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे जो आइटम लिस्ट के लिए हमने यहाँ पर देखिए क्या लिया था, आइटम लिस्ट के लिए आइटम्स लिस्ट। एंड फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक कर दी है, इसको मैं अभी सही कर लेता हूँ। आइटम्स लिस्ट। तो आइटम्स लिस्ट में हम सबसे पहले क्या करेंगे, आइटम्स लिस्ट डॉट इनर एस्टिमल इज इक्वल टू एम्प्टी ब्लैंक। सबसे पहले काम ये होगा कि हमारा ये जो लिस्ट है पहले इसको एम्प्टी कर देना है, मतलब इसे ब्लैंक कर देना है। एंड इसके बाद में हमें क्या करना है, हम ये चेक करना है कि हमारे जो if टू डू आइटम्स डॉट लेंथ मीन्स जो लेंथ है हमारे, मतलब जो नंबर ऑफ आइटम्स अगर हमारे ग्रेटर देन जीरो हैं देन हम इसके अंदर कुछ करेंगे। अदरवाइज हम क्या करेंगे कि हम कुछ मैसेज दिखा देंगे नो रिकॉर्ड, हमारे पास रिकॉर्ड ही नहीं है इसका मतलब। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि टू डू आइटम्स डॉट फॉर ईच। तो फॉर ईच मैथड में यहाँ पर हम मतलब इटरेट करेंगे इस हर आइटम पे, हम इटरेट करेंगे। एंड मैंने इसको कह दिया आइटम एरो ऑपरेटर, एंड इस तरह से देखिए। एंड इसके बाद अब हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें आइटम्स लिस्ट में डॉट इंसर्ट एडजेसेंट एचटीएमएल इस मेथड को यूज करना है यहाँ पर। एंड यहाँ पर हमें क्या होता है, पहले वेयर मतलब किस प्लेस पे करना है, तो उसके लिए हमने यहाँ पर ऑप्शन है हमारे पास, लेकिन हमारा है बिफोर एंड मतलब लिस्ट जहाँ ख़त्म हो रही है उसके पहले, मतलब लिस्ट के लास्ट में जाके हमें करना है। एंड सेकंड पैरामीटर होता है हमें क्या वैल्यू करना है, मतलब कौन सा एलिमेंट को इंसर्ट करना है, तो वो हमें यहाँ पर li को करना है। इस तरह से हमने यहाँ से कॉपी कर लिया। एंड यहाँ पर मैं टेम्पलेट लिटरल का ये सिंटेक्स लिखता हूँ, एंड इस तरह से देखिए। तो हमें क्या करना है कि इस li को हमें अपेंड करते जाना है यूएल के अंदर, हम ये भी कह सकते हैं, मीन्स लास्ट में जाके इसको अपेंड करते रहना। एंड यहाँ पर हमें क्या करना है कि हमारा जो आइटम है, आइटम का यहाँ पर जो टास्क था यहाँ पर हमें नेम देना है, तो हम किस तरह से देंगे, डॉलर कर्ली ब्रेसेस एंड इसके अंदर हम आइटम डॉट नेम, इस तरह से यहाँ पर हम दे देंगे। एंड अगर अब इस फंक्शन को हमें कहाँ कॉल करना चाहिए आइडली, सबसे पहले जैसे हम लोकल स्टोरेज से डाटा को फैच कर रहे हैं, एंड उसके बाद जस्ट यहाँ पर हमें इस फंक्शन को कॉल करना है एंड यहाँ से टू डू आइटम्स को पास करना है इस तरह से। तो देखिए अगर हम इसको करेंगे एंड इसके बाद हमें यहाँ पर क्या मिलता है, यहाँ देखिए हमारे जो ये रिकॉर्ड्स थे वो यहाँ पर लिस्ट हो गए हैं जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट 1.2। एंड अगर हम यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है जो हमने डमी यहाँ पर कॉन्टेंट डाला था, मैं इसको रिमूव भी कर सकता हूँ यहाँ से, इस तरह से रिमूव कर दिया हमने एंड सेव कर दिया फाइल को। एक एम्प्टी यूएल है एंड यहाँ पर हमारे वो रिकॉर्ड्स लिस्ट होने लगे यहाँ पर इस तरह से। तो
तो फ्रेंड्स यहाँ तक हम लोग आ चुके हैं। अभी हमें कुछ चीज़ें और यहाँ पर करनी है, जैसे कि मुझे यहाँ पर तो हमें ये करना है कि अब यहाँ पर हमें इसके अंदर इवेंट्स भी हमें ऐड करने थे यहाँ पर इनको। अभी कोई इवेंट काम नहीं करेगी यहाँ पर, हमें यहाँ पर इवेंट भी ऐड करने एंड ए के अंदर हमें यहाँ पर HREF भी लेना है, वो हमने नहीं लिया है अभी। तो देखिए इस तरह से कुछ दिख रहा है यहाँ पर हमें। अब इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर हमें जैसे कि हमें एडिट करना है या इसको चेक करना है कि ये डन हो चुका है, इसको कंप्लीट कर चेक करना है, तो इन पे हमें इवेंट चाहिए। अभी हमारे को इवेंट वर्क नहीं करेगा इस पे, तो यहाँ हमें इनके इवेंट भी ऐड करने हैं। वो कैसे ऐड करनी है, तो यहाँ साथ के साथ हमें जैसे हम लिस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें हैंडल भी करना है, इसमें इवेंट ऐड करना था यहाँ पर। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ पर एक और फंक्शन बनाएंगे एंड फंक्शन से हम इवेंट को हैंडल करेंगे। कैसे करेंगे, मैं यहाँ पर एक फंक्शन लिख देता हूँ पहले ही, हैंडल आइटम एंड इसमें आइटम हमने यहाँ पर पास किया एज एन आर्गूमेंट। एंड इस फंक्शन को अब मुझे यहाँ पर डिफाइन करना होगा, तो मैंने यहाँ पर कॉन्स्ट एंड यहाँ फंक्शन सिंटैक्स लिया इस तरह से एंड यहाँ आइटम हमने रिसीव किया एज पैरामीटर। तो यहाँ पर मैं कमेंट लिख देता हूँ गेट लिस्ट एंड यहाँ मैं लिख देता हूँ हैंडल, जो एक्शन बटन है उनमें हम इवेंट्स कैसे हैंडल करेंगे वो यहाँ करने वाले हैं इसमें। एंड फ्रेंड्स उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें एक चीज़ सबसे पहले तो हमें सेलेक्ट करने होंगे, कौन से सेलेक्ट से सारे आइटम्स को सेलेक्ट करना होगा। आइटम्स कैसे सेलेक्ट करेंगे, हम इसको यहाँ पर आइटम बोल सकते हैं, आइटम डाटा बोल सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं हैंडल आइटम में हम यहाँ पर। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर, मैं यहाँ पर इसको बोल देता हूँ आइटम डाटा एंड सबसे पहले हमें आइटम्स, आइटम्स कौन से हैं, लिस्ट ग्रुप में जो हमारे यहाँ पर लिस्ट ग्रुप करके ये जो एल आई बन रहा है इसको हमें सेलेक्ट करना है सारे आइटम्स को। तो वो हम कैसे करेंगे, क्वेरी सेलेक्टर ऑल एंड यहाँ हम बोलेंगे कि इस क्लास वाले जो हमारे एल आई हैं उनको हम सेलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर क्वेरी सेलेक्टर से। तो यहाँ पर पूरा हमें नोड लिस्ट मिल जाएगी इस तरह से एंड इन आइटम्स को हमें इटरेट करना है हर एक आइटम पे एंड यहाँ पर हम बोलेंगे इसको आइटम एंड ये हमने लिख दिया एरो फंक्शन इस तरह से। एरो फंक्शन हमारा ये सिक्स में, एरो फंक्शन क्या काम करता है कि हमारा एक शॉर्टर सिंटेक्स है। तो यहाँ पर ये मतलब ये कि एक फंक्शन है एंड उसके ये पैरामीटर है आइटम, तो सिंगल है यहाँ पर। एंड इसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें चेक करना है, क्या चेक करना है यहाँ पर, अभी हमारा एक आइटम है मतलब यहाँ पर हमें एक आइटम मिल गया। एक आइटम का मतलब क्या हुआ कि ये एक एल आई के लिए हम बात कर रहे हैं अभी। तो उसके अंदर हमने क्या, इफ आइटम डॉट क्वेरी सेलेक्टर एंड क्वेरी सेलेक्टर में हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हमने यहाँ पर एक इसको एक और क्लास दे देते हैं यहाँ पर कुछ सेलेक्ट करने के लिए, हमने दे दिया टाइटल ऐसे कुछ क्लास दे दी। अब ये टाइटल क्लास से हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे, तो कैसे करेंगे टाइटल एंड इस टाइटल के अंदर भी हमें एक और चीज़ यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना है। किस लिए करना है वो मैं आपको बताता हूँ कि हमें ये चेक करना है कि हमारा जो आइटम है उस आइटम से मैच कराना चाहते हैं। तो उसके लिए हमारे लिए सबसे अच्छा तरीका जो यूनिक है वो ये है कि हमारा जो टाइम स्टैम्प है यहाँ पर जो हमने ऐड किया था, कहाँ ऐड किया था, जब हम ये बना रहे थे तो हमने किया था एडिट एट, ये टाइम जो है इस टाइम को हम यूज़ करना चाहते हैं। तो ऐसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो हम यहाँ पर ये डाटा वाला जो टाइटल है उसी के साथ में यहाँ पर हम लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने लिख दिया यहाँ पर डाटा का टाइम, एक एट्रीब्यूट ऐड कर दिया एंड इसकी वैल्यू दे दी यहाँ पर। कैसे देंगे इस वैल्यू को, इस तरह से डॉलर एंड आइटम डॉट एडिट एट ये वाला आइटम। तो अब हमें यहाँ पर क्या होगा, हम ये यहाँ पर क्या चेक करेंगे, हम ये चेक करेंगे टाइटल से हमने सेलेक्ट कर लिया, क्या सेलेक्ट किया ये स्पैन को एंड इस स्पैन के अंदर हमने ये चेक करना है कि डाटा टाइम जो कि हमें दिखता नहीं है, हमने इसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि जब यहाँ पर हमारा अभी तो एरर आ रही है इसको, मैं एक मिनट के लिए इसको ओके मैं पहले इसको पूरा कमेंट कर देता हूँ, मैं आपको पहले समझा देता हूँ कैसे हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो हमने अभी ऐड किया उससे क्या हो रहा है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं टाइटल ऐड हुआ है एंड डाटा टाइम एक एट्रीब्यूट कर लिया एंड इसके अंदर हमने टाइम पास कर दिया वो जो वैल्यू थी। इससे क्या होगा कि हमारा जो हर एक आइटम है वो एक यूनिक आइटम बन गया, मतलब उसमें हमने एक यूनिक आईडी समझ सकते हैं,
टाइम स्टम्प हमने ऐड किया जिससे कि हम ये पता चले कि ये आइटम अलग है। अगर कोई प्रोजेक्ट बन से एक और भी आइटम ऐड करेंगे तो हम इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं सब टाइम के अकॉर्डिंग, इसलिए हमने यहाँ पर इसको टाइम दिया। तो अब मैं दोबारा से आ जाता हूँ अपने पॉइंट पे, एंड यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, हम ये चेक करना है आइटम डॉट क्वेरी सेलेक्टेड डॉट, एंड यहाँ पर लिखेंगे गेट एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट में क्या है हमारा डाटा, आइटम डाटा डॉट एडिट एट, अगर ये इसके इक्वल्स है देन हम इसके अंदर आना है। तो ये कंडीशन जब हमारी फुलफिल हो जाएगी, मतलब ये अगर कंडीशन मैच करती है तब हमें यहाँ पर आना है। तो ये आप आई होप कि आप समझ रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो ये जो टाइम है, मतलब इस आइटम का जो टाइम है वो टाइम हमारा जो आइटम हमने पास किया है, मतलब हम लूप के अंदर यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो यहाँ एक लूप है ना, ये लूप चलेगा यहाँ पर, इस लूप के अंदर हमने ये फंक्शन को कॉल किया है। तो ये फंक्शन क्या करेगा, हर एलिमेंट के साथ ये काम कर रहा है। तो यहाँ पर वो वही एलिमेंट हमें चाहिए जिस एलिमेंट का टाइम जो है हमारे वाले जो एलिमेंट से मैच कर रहा है, तब हम उसके अंदर जाके ये वर्क करेंगे। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पर अपना ये वाला इवेंट ऐड करना चाहते हैं, कौन सा, ये टिक वाला, कि ये सेलेक्टेड हो जाए यहाँ पर। एंड उसके लिए क्या करेंगे हम, उसके लिए हमें जस्ट क्या करना है, हमें ये करना है, एक तो हमारा ये जो टू डू, मतलब ये अभी जो टू डू है मतलब ये कंप्लीट नहीं हुआ है, अगर हम इसको टिक करेंगे तो ये एक तो ये ग्रीन हो जाना चाहिए, अलग से पता चलना चाहिए एक्टिव कि ये डन हो चुका है। दूसरा डन क्यों होगा, क्योंकि हमने जो यहाँ पर इसका जो आप अगर देखेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर जो हमने इज डन जो लिया है, इज डन जो प्रॉपर्टी ली है फॉल्स, इसको हमें ट्रू भी करना है साथ में, तभी हम चेक कर पाएंगे कि हमारा ये जो है वो कंप्लीट हो चुका है या फिर अभी टू डू में आएगा। तो ये अभी हमारा एरर आ रहा है यहाँ पर। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर एक टाइपो हो गया है, यहाँ पर डॉक्यूमेंट आना चाहिए तभी वो एरर आ रही थी, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर एंड नाउ एरर गॉन। ओके तो ये हमने यहाँ पर इस तरह से ये कंडीशन में हम हैं। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ हमें वो करना है डन का केस करना है, कि डन जब हो जाएगा तो यहाँ पर टिक मतलब जो करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें ये करना है कि हमारा जो करंट वाला जो है, करंट वाला जो ऑप्शन है उसमें हमें ये चेक करना है कि उसका करंट स्टेटस क्या है। अभी कुल मिला के हमें वहाँ पर एक टॉगल जैसा करना है कि अगर करंट स्टेटस ट्रू है तो फॉल्स करना है, एंड फॉल्स है तो ट्रू कर देना है हमें। तो सबसे पहले हम वहाँ पर क्या करेंगे कि हमें यहाँ पर एक तो इसका इवेंट ऐड करना है, इस पर कि इस पर क्लिक करें तो हमारा क्लिक वर्क करना चाहिए। अगर हम अभी क्लिक करेंगे तो देखिए कुछ नहीं होगा, क्लिक नहीं मतलब वर्क कर रहा है इसका। तो हमें पहले तो इसमें एक इवेंट ऐड करना है। तो इवेंट कैसे होगा, अब ये देखिए सेलेक्ट हो गया, इसका मतलब क्या हुआ है कि हम एक आइटम हुआ है जो हमारे करंट आइटम जिस पर हम क्लिक कर रहे हैं वही यहाँ पर सेलेक्ट हुआ है। तो अब यहाँ पर हमें इवेंट ऐड करना है। तो इवेंट कैसे ऐड करेंगे, आइटम डॉट क्वेरी सेलेक्टर, एंड क्वेरी सेलेक्टर में फ्रेंड्स कैसे इसको सेलेक्ट कर पाएंगे इस वाले को हम, तो यहाँ सेलेक्ट करने के लिए हम यहाँ पर कुछ एट्रीब्यूट ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर एट्रीब्यूट कैसे ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर कर दिया इस तरह से, इस एंकर पे करना है एक्चुअली, डाटा हाइफन इसको डन बोल देंगे, एंड इसको बोलेंगे डाटा एडिट के लिए, एंड इसको बोलेंगे डाटा डिलीट। तो हमने यहाँ पर हर एंकर पे एक एट्रीब्यूट ऐड कर दिया जिससे कि हम इसको प्रॉपर सेलेक्ट कर पाएंगे कि ये हमारा किस के लिए एंकर यूज हो रहा है। तो अब डाटा डन वाले को हम सेलेक्ट करना चाहते हैं, मैंने इसको कॉपी कर लिया, एंड इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पर आइटम डॉट क्वेरी सेलेक्टर, एंड इसको एट्रीब्यूट से कैसे सेलेक्ट करते हैं इस तरह से, एंड हम इसको नाम दे देंगे इस तरह से। तो ये इस तरह से हमारा हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे, एंड इसमें हमें क्या करना है, ऐड इवेंट लिसनर, ऐड इवेंट लिसनर क्या करना है, क्लिक इवेंट करना है, एंड क्लिक इवेंट पे क्या करना है, हमें करना है यहाँ पर इस तरह से फंक्शन ई, एंड फ्रेंड्स हम यहाँ पर एरो फंक्शन भी ले सकते थे बट हमें यहाँ पर दिस चाहिए, एंड जैसा कि हम जानते हैं कि हम एरो फंक्शन के अंदर दिस हमें नहीं मिलता है, दिस ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा, तो इसलिए हमने यहाँ पर फंक्शन लिया, अदरवाइज हम यहाँ पर एरो फंक्शन भी जैसे हमने और जगह लिया है यहाँ भी ले सकते थे ES6 का। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, अब
सबसे पहले तो हमें करना है ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, मतलब जो उसका डिफॉल्ट बिहेवियर है क्लिक करने पर वो हमें प्रिवेंट करना है उससे। एंड इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर मैं जस्ट पहले तो अलर्ट कर देता हूँ आपको, पहले दिखा देता हूँ कि यहाँ पर हाई करके लिख देते हैं जिससे कि पता चले कि ये वर्क कर भी रहा है नहीं कर रहा है। एंड जैसे ही मैंने देखी यहाँ पर इसको मैं एंड मैंने इस पर देखी ऐसे किया तो देखिए यहाँ पर अलर्ट आ जाता है, दैट मीन्स कि हमारा ये इवेंट जो है हमारा वर्क कर रहा है, क्लिक इवेंट इसका। क्लिक इवेंट पर हमें क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले हमें ये करना है कि हमारा जो आइटम डाटा, मतलब ये जो आइटम डाटा था हमारा करंट जो है उसका इंडेक्स क्या है, तभी हम इसकी वैल्यू को निकाल पाएंगे कि ये एक्चुअल में क्या है। तो हमने यहाँ पर किया कॉन्स्ट आइटम इंडेक्स इज इक्वल टू टू डू आइटम्स डॉट इंडेक्स ऑफ, एक मेथड होता है अरे का जिससे हम उसके एलिमेंट का इंडेक्स निकालते हैं। एंड यहाँ पर हमने किया आइटम डाटा, मतलब अपना जो करंट हमने जो आइटम था उसका हमने इंडेक्स चेक किया। एंड इससे हमने यहाँ पर क्या किया कॉन्स्ट करंट आइटम इज इक्वल टू टू डू आइटम्स एंड यहाँ हमने इसका ये वाला जो आइटम इंडेक्स है वो हमने पास कर दिया। तो यहाँ से हमारा वो ऑब्जेक्ट निकल आएगा, वो वाला ऑब्जेक्ट मतलब वो करंट ऑब्जेक्ट जो है। एंड हमें क्या करना है फिर, करंट आइटम अगर हमें निकल आएगा तो हमें इससे इसका स्टेटस पता चल जाएगा। तो अब हमें क्या करना है यहाँ पर, अगर मैं इसका स्टेटस निकालना चाहता हूँ तो जस्ट मैंने किया अलर्ट एंड यहाँ पर किया करंट आइटम डॉट इज डन, इस दिन अगर इसका देखें क्या आता है फॉल्स, मतलब ये फॉल्स है अभी, अब ये इज डन फॉल्स है, इज डन फॉल्स है ठीक है, बट हमें क्या करना है इसको ट्रू करना है। ट्रू करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें जो करंट आइटम है करंट आइटम का इज डन किस तरह से करना है हमें कि करंट आइटम डॉट इज डन अगर ट्रू है देन हमें इसको फॉल्स करना है एंड एल्स में ट्रू कर देना है। तो हमने क्या किया, इसके जो करंट आइटम हमने अभी गेट किया है उसके हमने प्रॉपर्टी जो इज डन को हमने असाइन कर दी नई वैल्यू। ये करने के बाद में हमें फिर से क्या करना है, टू डू आइटम्स जो हमारे हैं उसमें हमें, मतलब एक अरे का एक मेथड होता है स्प्लाइस, एंड स्प्लाइस क्या करता है, स्प्लाइस हम किसी इंडेक्स पे कोई नया एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं या फिर रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमारे केस में हम इसको रिप्लेस करना चाह रहे हैं, किस इंडेक्स पे करना चाह रहे हैं, आइटम इंडेक्स, मतलब हमारा जो करंट जो इंडेक्स था जो हमारा एलिमेंट का इंडेक्स है एंड कितने एलिमेंट को, वन एलिमेंट को, एंड किससे रिप्लेस करना चाह रहे हैं, करंट आइटम से, क्योंकि करंट आइटम में हमने अपडेट कर दिया यहाँ पर इस तरह से देखिए। एंड इसके बाद अगेन हम क्या करेंगे, सेट लोकल स्टोरेज एंड इसमें टू डू आइटम्स के लिए हमने अगेन इसमें सेट कर दिया। अब इसका क्या मतलब हुआ कि हमने पहले अपना करंट आइटम जो था, करंट मतलब जो आइटम था उसका हमने उसको गेट किया, उसकी जो प्रॉपर्टी इज डन प्रॉपर्टी को टॉगल किया, जो भी था अगर हमने फॉल्स था तो ट्रू कर दिया, ट्रू था तो फॉल्स किया, एंड अगेन उस आइटम को अगेन हमने उसी पोजीशन पे रिप्लेस कर दिया एंड सेट करा दिया यहाँ पर। तो इतना हम लोग पहले करके देखते हैं कि क्या होता है। तो जैसे मैंने यहाँ पर किया, मैं इसको ओपन भी कर लेता हूँ, तो जैसे मैंने फर्स्ट को किया तो यहाँ देखिए इस जन अब हमारा ट्रू हो गया है। तो यहाँ देखेंगे अगर आप तो फर्स्ट एलिमेंट जीरो इंडेक्स वाला जो है इसका देखिए इस डन ट्रू है यहाँ पर। अब इस डन ट्रू है तो हमें यहाँ पर क्या करना है कि जब हम लिस्ट कर रहे हैं तो एक चीज़ और करनी है, हमें यहाँ पर इसको सेलेक्टेड दिखाना है कि ये हमारा फिल हो चुका है, डन हो चुका है। तो उसके लिए एक क्लास है फ्रेंड्स यहाँ पर, जहाँ हमने सर्किल किया यहाँ पर सर्किल फिल होना फिल होता है। तो यहाँ अगर हम ये चेक करके ये वैल्यू डाल सकते हैं यहाँ पर कि किस तरह से, अगर ये आइकन के लिए क्लास हमें यूज़ करना है तो हम इसके लिए यहाँ पर लिख सकते हैं। इससे जस्ट पहले मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया कॉन्स्ट आइकन क्लास एंड इसको मैंने बोला कि आइटम डॉट
isDone प्रॉपर्टी, मतलब इस आइटम की जो isDone प्रॉपर्टी अगर ट्रू है देन हमें क्या करना है, हमें ये वाली क्लास लेनी है वाई चेक, अगर ये ट्रू है देन हमें यहाँ पर फिल क्लास लेना है एंड एल्स में ये वाली क्लास लेनी है इस तरह से। तो यहाँ देखिए ये फिल क्लास एक होती है, फिल क्लास में क्या है ये फिल हो जाएगा कंडीशनल यहाँ पर इस तरह से डॉलर एंड इस तरह से पास कर देता हूँ। तो देखिए अब हमारा डिज़ाइन देखिए कैसे, ये देखिए सेलेक्टेड हो गया ऑलरेडी एंड ये फिल हो गया। तो इससे हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये हमारा डन हो चुका है ये टास्क एंड ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ये टू डू लिस्ट में है। तो इसी चीज़ को हम ये इसके क्लिक पे भी करना चाहते हैं कि जब ये चेंज हो तो ये क्लास भी चेंज हो जाए। तो वो कैसे करना करेंगे हम इसको, वो हमें यहाँ करना पड़ेगा यहाँ पर। तो जैसे ही हमें यहाँ पर सबसे पहले हमें करंट एक क्लास पता होना चाहिए, स्टेटस तो हमें मालूम है यहाँ पर हमने जैसे भी निकाला, तो इसी हिसाब से हमें पहले करंट क्लास निकालनी पड़ेगी एक तो इसकी एंड इसके बाद में हमें तो करंट क्लास कैसे हम निकालेंगे यहाँ पर, करंट क्लास को हम यहाँ पर लिख सकते हैं इस तरह से, जब हम करंट स्टेटस निकाल रहे हैं उसी टाइम पे हम यहाँ पर कर सकते हैं कि यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर करता हूँ करंट क्लास इज इक्वल टू हमारा करंट आइटम जो है, करंट आइटम जो है इसका मतलब जो ये अगर ट्रू है देन यहाँ एक क्लास होगी एंड एल्स में एक क्लास होगी। तो मैं इसको भी तो सेम है हमारे यहाँ पर जो हमने यहाँ से, मैं इसको जस्ट कॉपी कर लेता हूँ इस तरह एंड यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ इसको एंड ये वाला पार्ट में इसको रिमूव कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर ट्रू है देन हमें फिल करना है एल्स में। तो इससे हम क्या करना चाह रहे हैं, हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी करंट क्लास क्या है एंड किससे हमें रिप्लेस करना है, क्योंकि हम यहाँ पर रिप्लेस मेथड यूज़ करने वाला है क्लास के लिए। तो अब इसके बाद में लास्ट में मतलब यहाँ पर सेट होने के बाद में एंड यहाँ पर अब हमें क्या करना है, हमें उसकी आइकन क्लास, आइकन क्लास बन मतलब करंट क्लास जो है। तो अब देखिए अपडेट हो गया, यहाँ पर हमने अपडेट कर दिया। अब करंट का जो सेम जो मतलब सेम चीज़ को यहाँ पर हमें बाद में भी करना है, करंट आइटम जो हमारा था अभी हमने इसको चेंज कर दिया ना, तो अब करंट के हिसाब से करंट क्लास क्या बनेगी इसकी, हमें ये चेंज कहाँ करना है। इस केस में अगर हम यहाँ पर हैं तो यहाँ हम जो है ये हमने किसको किया है सेलेक्ट कौन करके मतलब किस एलिमेंट को सेलेक्ट करके रखा है हमने डन, जो कि हमारा क्या है यहाँ पर ये वाला पार्ट है मतलब ये एंकर है एंड हमें क्लास कहाँ चेंज करनी है, क्लास इसकी चेंज करनी है। तो इसका मतलब हुआ कि इस एलिमेंट का जस्ट फर्स्ट चाइल्ड जो है, फर्स्ट चाइल्ड की हमें क्लास को चेंज करना है। तो हम यहाँ पर कैसे लिखेंगे इसको, दिस डॉट फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड डॉट क्लास लिस्ट, फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड होता है जैसे कि हम उसके जो फर्स्ट एलिमेंट को गेट करते हैं एंड क्लास लिस्ट डॉट रिप्लेस, हम रिप्लेस करेंगे किससे रिप्लेस करेंगे यहाँ पर करंट क्लास जो है, करंट क्लास का मतलब जो पहले जो क्लास थी उसकी एंड उसको न्यू क्लास कौन सी है हमारी इसमें से आएगी हमें जो करंट स्टेटस के अकॉर्डिंग है उसको हमें इससे रिप्लेस कर देना है इस तरह से। तो अगर हम इतना करने के बाद देखिए यहाँ पर जब मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ एंड मैं चेंज करता हूँ, देखिए हमारी जो क्लास है वो टॉगल हो रही है यहाँ पर एंड यहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्टेटस भी चेंज हो रहा है, ट्रू है तो फॉल्स हो जा रहा है, फॉल्स है तो ट्रू हो रहा है एंड जब ये सेलेक्टेड है देन हमारा स्टेट इज डन ट्रू रहता है यहाँ पर एंड सेकंड वाले में भी देखेंगे अगर आप तो यहाँ देखिए एंड इस तरह से देखिए तो यहाँ अपडेट भी हो रहा है एंड हमारे ये तो ये हमारा डन वाला वर्क करने लगा। तो यहाँ हमारा ये प्रॉपर अपडेट हो रहा है, क्लास भी हमारी चेंज हो रही है एंड इसके बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ अपडेट करना है हमें। अब पहले अपडेट करते हैं इसको, यहाँ पर अगर हम इस पर क्लिक करें तो पहले हमें यहाँ पर इवेंट ऐड करना पड़ेगा। तो ये हमने यहाँ कर लिया डन वाला ऑप्शन एंड मैं इसको देखता हूँ कहाँ क्लोज होता है एंड इसके बाद में हम यहाँ पर लिखेंगे एडिट के लिए, एडिट के लिए यहाँ पर लिखेंगे। तो एडिट में भी सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे, कैसे सेलेक्ट करेंगे, एडिट वाले में हमने डाटा एडिट लिया है तो मैं जस्ट जैसे हमने ये किया था यहाँ पर जस्ट मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ इस तरह से एंड तो ये देखिए प्रॉपर मैंने इसको इसका कर दिया है क्लोज
एंड यहाँ मुझे क्या करना है, डाटा एडिट करना है। एंड मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ अलर्ट करके कि जब मैं इस पर क्लिक, हाई एडिट पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो एक अलर्ट आ रहा है, दैट मीन्स कि यहाँ पर हमने इवेंट जो है वो इसकी ऐड हो चुकी है, क्लिक इवेंट। अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि सबसे पहले हम इसको अपडेट करना चाहते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँ यहाँ पर एडिट के बटन पे, तो ये जो वैल्यू है ये वैल्यू हमें यहाँ पर इनपुट में चाहिए। एंड इसको जब मैं यहाँ पर ऐड करूँगा, यहाँ पर या अपडेट समझिए ऐड करें, तो जहाँ मैं इसको एंटर करूँगा तो ये अपडेट हो जाना चाहिए ये वाली वैल्यू यहाँ पर। एंड ये जैसा भी रहेगा वो, अगर इसका स्टेटस ट्रू है तो ट्रू रहना चाहिए, फॉल्स है तो फॉल्स रहना चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि इसके क्लिक पे हमें आइटम को गेट करना होगा। आइटम को कैसे गेट करेंगे हम, तो देखिए यहाँ पर क्या करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे ही हमारे आइटम तो हमारे पास है ही, करंट आइटम हमारे पास है यहाँ पर, ये वाला है आइटम डाटा। तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले तो हमें इनपुट टर्म, मतलब ये इनपुट आइटम वाला जो है टेक्स्ट एरिया जो है, टेक्स्ट बॉक्स में हमें वैल्यू लेके जानी है उसकी। तो हम क्या करेंगे, इनपुट आइटम डॉट वैल्यू इज इक्वल टू हमारे पास जो यहाँ पर क्या है, आइटम डाटा। एंड आइटम डाटा का हमें क्या करना है, नेम को हमने असाइन कर दिया वैल्यू में आइटम इनपुट की। तो देखिए कैसे हो रहा है कि जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये वैल्यू हमारी यहाँ आ जाती है इस तरह से, देखिए। अब हमें क्या करना है इसमें कि अब ये वैल्यू हमें आ गई, अब हमें क्या करना है, हमें इस वैल्यू को जस्ट इसके क्लिक करने पे इसको सेव करना है। तो यहाँ क्लिक करने का सिर्फ यूज इतना ही है कि ये वैल्यू यहाँ आ जानी चाहिए, और हमें क्या चाहिए कि इस जो एलिमेंट जो है, ये आइटम जो है हमारा ऑब्जेक्ट है, एक्चुअली इस अरे का ऑब्जेक्ट है, तो इस मतलब अरे में जो ये ऑब्जेक्ट का इंडेक्स क्या है वो हमें और पता चल जाए तो हमें इजी हो जाएगा इसको अपडेट करना। तो यहाँ हम एक काम और कर सकते हैं कि हमने यहाँ पर किया, इसका इंडेक्स किस तरह से निकाल सकते हैं, एंड इंडेक्स निकाल के हमें कैसे यूज़ करना है, इस इंडेक्स को हमें एक हिडन वैल्यू में यहाँ रखना है। तो हिडन के लिए हम कैसे करेंगे कि हम अपने एचटीएमएल में यहाँ पर कहीं एक हिडन बना सकते हैं इस यूएल के बाद में, यहाँ लिख लेते हैं मैंने किया इनपुट एंड टाइप में टेक्स्ट की जगह हिडन करेंगे, जिससे कि ये वैल्यू दिखेगी नहीं यहाँ पर। वैल्यू एंड आईडी हम बोलेंगे ओबीजे इंडेक्स बोल सकते हैं इसको, ऑब्जेक्ट का इंडेक्स जो हमारा करंट है उसको हमने ये आईडी ले ली। तो अब इस आईडी से हमें क्या करना है कि यहाँ पर मुझे इसको पहले सेलेक्ट करना है, तो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर एंड इस आईडी से मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया एक तरह से। एंड इसकी जो वैल्यू है, इस वैल्यू में मुझे क्या पास करना है, इस वैल्यू में हमें पास क्या करना है, इसका इंडेक्स। तो कैसे इंडेक्स पास करेंगे, टू डू आइटम्स डॉट इंडेक्स ऑफ, एंड इंडेक्स ऑफ में हमें क्या करना है, आइटम डाटा, मतलब हमारा जो करंट आइटम वो हमने इसमें पास कर दिया। तो इसका जो इंडेक्स होगा वो हमें इसके अंदर वैल्यू में मिल जाएगा यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर क्या किया, ऑब्जेक्ट के इंडेक्स में इसका जो करंट ऑब्जेक्ट है उसके हमने इंडेक्स को वैल्यू में उसके असाइन कर दिया। अगर हम यहाँ पर देखिए, जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर जो हमारा ये हमारा इनपुट हिडन, एंड इसमें जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट जो हमारा आइटम था वो यहाँ पर सेलेक्ट हो गया, यहाँ पर इसकी वैल्यू आ गई एंड यहाँ पर इसकी इंडेक्स आ गई। अगर मैं सेकेंड को करता हूँ तो देखिए यहाँ पर वन आ जाती है। तो इस तरह से हमें यहाँ पर इसका इंडेक्स तो मिलने लगा। अब ये इंडेक्स है, हमें यहाँ पर इसको अपडेट करना है। तो अपडेट कैसे करना है कि जैसे ही हम यहाँ पर, अभी तक हम क्या कर रहे थे यहाँ पर, सबमिट कर रहे थे, तो अभी हम सबमिट कर रहे थे यहाँ पर, एंड सबमिट पे हमें क्या करना है इस बार, अब ये चेक करना है कि हमारी अगर वैल्यू है तो हमें उसको अपडेट कर देना है, मतलब अगर इंडेक्स वैल्यू अगर हमें मिल जाती है तो हमें अपडेट करना है, एल्स में उसको ऐड कर देना है। तो वो हम अब यहाँ पर वो करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर, जैसे ही हम लोग चेक कर रहे थे, तो यहाँ पर सबसे पहले मुझे ये चेक करना है, कॉन्स्ट करंट आइटम इंडेक्स, मतलब एक हम ये चेक कर लेते हैं डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, एंड यहाँ से हमने
ये जो लिया था इसका पहले भी हमने सेलेक्ट किया, दोबारा से यहाँ पर सेलेक्ट करना है। एंड यहाँ पर हम इस तरह से इसको सेलेक्ट कर लेंगे एंड इसकी वैल्यू, एक्चुअल में वैल्यू ही गेट करना चाहते हैं हम इसकी वैल्यू इस तरह से। एंड हम ये चेक करेंगे कि इफ करंट इंडेक्स, अगर करंट इंडेक्स है देन हमें क्या करना है, यहाँ पर हमको अपडेट करना है एंड एल्स में यहाँ पर हमें ऐड करना है। अब ऐड करने वाला तो मैं यहाँ से जस्ट कॉपी कर लेता हूँ इसको, एल्स में हमने ये वाला पेस्ट कर दिया इस तरह से एंड ये भी इसके साथ में रख लेते हैं। यहाँ पर ये ऐड करेंगे एंड अपडेट के केस में यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपडेट करेंगे। एंड अपडेट कैसे करेंगे, अपडेट में हमें क्या क्या चाहिए, करंट इंडेक्स चाहिए एंड जो आइटम की वैल्यू है मतलब आइटम का नेम। तो यहाँ पर एक फंक्शन बनाएंगे इसके लिए, अपडेट आइटम, एंड इसमें दो पैरामीटर होंगे तो यहाँ से आर्गुमेंट में पास कर देता हूँ करंट आइटम इंडेक्स एंड सेकंड आइटम नेम मतलब जो वैल्यू है उसकी वो। तो यहाँ से हम इसको अपडेट कर देंगे एंड साथ में ये जो है इसकी वैल्यू को भी हम क्या करेंगे, एम्प्टी कर देंगे। इसकी वैल्यू को हमने यहाँ पर एम्प्टी कर दी है इस तरह से। और चाहे तो हम इसको इस वाले जो वेरिएबल को, चलो हम बाद में इसको कर लेंगे, हम बाद में इसको चेक कर लेंगे अगर हम रिफैक्टर कर सकते हैं, बार बार हम इसको यूज़ कर रहे हैं, हम इसको एक जगह भी ले सकते हैं इस तरह से। तो इस तरह से हम इसको एम्प्टी कर देंगे। अब हमें ये एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, तो मैं सबसे टॉप में यहाँ बना लेता हूँ इसको, अपडेट आइटम एंड यहाँ पर हमें कॉन्स्ट फंक्शन एंड यहाँ में क्या है, करंट आइटम इंडेक्स दूसरा वैल्यू। तो यहाँ पर हमें इसको जस्ट अपडेट कर देना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉन्स्ट न्यू आइटम इज इक्वल टू, हमें कैसे नया आइटम मिलेगा, टू डू आइटम्स डॉट डॉट नहीं, इसका जो इंडेक्स है उसको इंडेक्स जस्ट पास करना है हमें, करंट आइटम इंडेक्स इस तरह से पास करेंगे तो ये हमारे लिए करंट आइटम मिल गया। एंड इसके बाद हमें न्यू आइटम डॉट नेम प्रॉपर्टी में हमें नई वैल्यू असाइन कर देनी है बस यहाँ पर, एंड टू डू आइटम्स डॉट स्प्लाइस इसमें हमारा क्या करना है, जो हमारा करंट इंडेक्स है हमें इंडेक्स पता है, उस इंडेक्स पे वन मतलब एक सिंगल वैल्यू को हमें रिप्लेस करना है, किससे करना है, न्यू आइटम्स नए वाले जो हमारा अपडेटेड है उससे करना है। एंड साथ में हमें सेट लोकल स्टोरेज एंड यहाँ से हमें टू डू आइटम्स को इस तरह से सेट करा देना है। तो ये हमने फंक्शन ऑलरेडी यहाँ पर हमने यूज कर रखा है इसको यहाँ पर, ठीक है। तो अब देखते हैं कुछ अपडेट करके। तो जैसे मैं फर्स्ट वाले के लिए अपडेट करता हूँ यहाँ पर एंड यहाँ हमने कर दिया 3, देखिए कुछ एरर आती है क्या। तो यहाँ अपडेट 3 हो गया बट यहाँ पर हमारा रिफ्रेश नहीं हुआ। तो रिफ्रेश करने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना होगा कि यहाँ पर हमें जस्ट जब ये हमारा एक्टिविटी हो जाती है जो भी है, ये वाली जो एक्टिविटी हो रही है यहाँ पर, चाहे तो हम ऐड कर रहे हैं या सेव कर रहे हैं, उसके बाद में हमें यहाँ पर इसको कॉल करना है, लिस्ट को, ऑल आइटम्स की लिस्ट को हमें यहाँ पर कॉल कर लेना है यहाँ पर। इसके बाद में यहाँ आके हमें इसको गेट लिस्ट एंड इस लिस्ट में हमें क्या करना है, टू डू आइटम्स को यहाँ पर हमें इस तरह से लोड करा लेना है यहाँ पर। एंड फ्रेंड्स एक चीज़ और हमें यहाँ पर करना है कि जैसे ही जब हम ये कर लेते हैं यहाँ पर ये सबमिट हो जाता है, इसके बाद इससे पहले जस्ट यहाँ पर हमें जो आइटम है ना हमारा आइटम इनपुट, इसकी जो वैल्यू है इस वैल्यू को हमें ब्लैंक करना है। तो ये हमने कर दिया यहाँ पर। अब देखिए अगर जब हम इसको अपडेट करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर इसको 3 से 5 कर दिया, तो देखिए इमीडिएट 5 हो गया बट यहाँ पर कुछ बोल रहा है आइटम इंडेक्स इज नॉट डिफाइंड 115, ओके नॉट इंडेक्स, सॉरी यहाँ पर गलती ये है कि हमें ये करना है इनपुट, एक्चुअली टाइपो हो गया है एंड यहाँ पर हमें कुछ इस तरह से करना है। तो अभी जैसे मैंने यहाँ किया
एंड इसको वन कर देते हैं, एंटर, अपडेट हो जाता है एंड ये ब्लैंक हो जाता है। तो अब मैं कुछ और प्रोजेक्ट्स यहाँ पर, अब देखिए जैसे हम इसको चेंज कर रहे हैं तो चेंज भी हो जा रहा है, अपडेट करना चाहते हैं तो अपडेट भी हो जा रहा है, एंड नया ऐड करना चाहते हैं तो ES6 फीचर्स, एंटर। एंड यहाँ आप देखेंगे तो 3 आइटम्स हैं यहाँ पर। अगर मैं देखिए इसका चेंज करता हूँ तो यहाँ पर ट्रू हो जाता है, तो ये प्रॉपर हमारा चल रहा है। यहाँ पर हम इसको अपडेट कर सकते हैं, अपडेटेड अपडेटेड। अब फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर बच्चा डिलीट करने के लिए, तो डिलीट कैसे करेंगे, डिलीट के लिए भी हम कर लेते हैं यहाँ पर। तो जैसे हमने यहाँ पर एडिट किया था इसी तरह से मैं जस्ट इसकी कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर, एंड इसके बाद में हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ बस डिलीट का चेक करना है। एंड डिलीट में भी हमें क्या करना है, करंट आइटम मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ पर। एंड सबसे पहले हमें यहाँ पर एक तो कंफर्म करना है यूजर से, तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर इसका इवेंट वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। हाय, देखिए जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ तो हाय, मतलब ये इवेंट तो इस पर चलने लगा क्लिक। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले यूजर से कन्फर्म कराना है, तो हमने क्या इफ़ एंड कन्फर्म मैथड फंक्शन यूज किया, यहाँ पर कोई मैसेज दे दिया, आर यू श्योर वॉन्ट टू रिमूव दिस आइटम, ऐसे कुछ भी। एंड जैसे उसने ओके किया, देन हमें क्या करना रहेगा, आइटम्स लिस्ट जो है हमारी, आइटम्स लिस्ट का मतलब इस यूएल में, इस यूएल में जो भी एलिमेंट है वो, उस एलिमेंट को हमें क्या करना है, कौन से एलिमेंट को रिमूव करना है, रिमूव चाइल्ड, एंड चाइल्ड में कौन सा चाइल्ड, आइटम जो हमारा करंट आइटम है, जो ये आइटम है इस आइटम को ही हमें रिमूव करना है। एंड इसके बाद में हमें अपने जो स्टोरेज में हमने जो एलिमेंट्स मतलब हैं जो हमारे टू डू आइटम्स में, उस लिस्ट से भी उसको रिमूव करना है। तो उसको रिमूव करने के लिए हमें यहाँ पर एक फंक्शन लिखेंगे, रिमूव आइटम, एंड यहाँ पर हम इस आइटम को पास करेंगे एंड वहाँ पर इसको रिसीव करेंगे एज पैरामीटर। तो पहले मैं ये फंक्शन आपको बना देता हूँ यहाँ पर टॉप में कि क्या करना होगा हमें यहाँ पर। तो यहाँ पर डिलीट आइटम एंड कॉन्स्ट फंक्शन, एंड इस फंक्शन में हम आइटम को यहाँ से लेंगे एंड इसमें क्या करेंगे, किस तरह से हम लिखेंगे यहाँ पर, रिमूव आइटम हम लिखेंगे कॉन्स्टेंट। सबसे पहले तो हम उस आइटम की इंडेक्स को देखेंगे, कौन सा इंडेक्स है टू डू आइटम्स का, इंडेक्स ऑफ से यहाँ हमने आइटम पास किया एंड इससे हमने क्या किया, आइटम का इंडेक्स निकाल लिया। एंड जब इंडेक्स हमें पता चल जाएगा तो उससे हमें यहाँ पर टू डू आइटम्स डॉट स्प्लाइस मेथड, हमने बात की थी कि हम इससे कोई एक एलिमेंट को रिमूव भी कर सकते हैं, तो किस एलिमेंट्स मतलब किस स्टार्टिंग जो हमारा स्टार्टिंग से इंडेक्स मतलब, तो हमारा हो गया रिमूव इंडेक्स एंड कितने एलिमेंट को करना है, 1 एलिमेंट को रिमूव करना है, तो हमने इस तरह से यहाँ पर कर दिया। तो ये रिमूव आइटम जो है वो हमारा एक आइटम को रिमूव कर देगा एंड इसके बाद में हमें यहाँ पर क्या करना है, रिमूव करने के बाद में यहाँ पर हमें सेट लोकल स्टोरेज एंड टू डू आइटम्स को हमें यहाँ पर सेट करा देना है एंड हमें साथ में यहाँ से क्या करना है, रिटर्न टू डू आइटम्स डॉट फिल्टर करना है, कौन से आइटम्स को फिल्टर करना है, आइटम इज नॉट इक्वल्स टू आइटम डाटा, मतलब हमारे जो करंट जो आइटम है वो आइटम के अलावा हमें वो रिटर्न करेगा यहाँ से। मतलब हमने क्या फिल्टर किया है कि हमने जो करंट हमारा जो आइटम था उस आइटम को हमने यहाँ से रिमूव कर दिया है। रिमूव करने का मतलब है कि हमने इसको फिल्टर कर दिया, अपनी लिस्ट में भी नहीं रखा एंड टू डू लिस्ट में इसको रिटर्न करा दिया यहाँ पर। हम चाहे रिटर्न कराएं या फिर हमने यहाँ सेट कर ही दिया है, दोनों ही चीज़ें एक ही हैं। हम यहाँ पर दिखा रहे हैं इसलिए हमने यहाँ पर रखा है क्योंकि हमें इमीडिएट उसको रिमूव करके दिखाना है। देखिए जैसे हम यहाँ से मैं यहाँ पर एक डिलीट करता हूँ आपको, सबसे पहले तो ये कन्फर्मेशन के लिए कैंसिल किया तो कुछ नहीं होगा, जैसे ओके करेंगे तो देखिए यहाँ से एक एलिमेंट
रिमूव हो गया एंड यहाँ लिस्ट से भी एक एलिमेंट रिमूव हो चुका है। तो इस तरह से देखिए, अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ फिर भी हमारे पास दो ही आइटम्स हैं यहाँ पर। इस तरह से हम यहाँ से इसको डिलीट कर सकते हैं। डिलीट कर दिया हमने, अब तीनों काम कर लिया हमने यहाँ पर, इसको टू डू में डन कर दिया है, एडिट कर लिया, डिलीट कर दिया। अब हमें क्या करना है यहाँ पर कि हमें ये फिल्टर करने हैं। फिल्टर कैसे करना है कि हमें यहाँ पर डन है या यहाँ पर, मतलब अगर डन है इस तरह का तो ये आना चाहिए कंप्लीट के अंदर, मतलब कंप्लीट हो गए हैं ये। टू डू में इस तरह के रहेंगे, ऑल में सारे आएंगे। तो अब इसको हम कैसे फिल्टर करेंगे, पहले तो हमें ये टैब को वर्क करना है। टैब पे वर्क करता है, कैसे वर्क करते हैं टैब में, तो हमारे टैब कहाँ है, हम यहाँ पर आ गए एंड टैब को हम किस तरह से सेलेक्ट करेंगे पहले। तो ये देखिए यहाँ पर एक्टिव क्लास लगी हुई है यहाँ पर। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर इसमें एक इवेंट चेक करना है, क्लिक इवेंट पे हमें यहाँ पर, एंड हमें ये फिल्टर करने के लिए कोई ना कोई एक फ्लैग चाहिए, मतलब कुछ एक वैल्यू चाहिए जिससे पता चले कि ये ऑल है, ये टू डू है, ये कंप्लीटेड है यहाँ पर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने यहाँ पर एक डाटा टाइप यूज़ कर लेते हैं, मतलब एक डाटा करके यहाँ पर वैल्यू ऐड कर देते हैं यहाँ पर एंड टाइप, एंड इसको बोल दिया ऑल, एंड इसी तरह से हमने यहाँ पर इसको बोल दिया टू डू, एंड यहाँ हमने कर दिया डन, मतलब ये डन हो चुके हैं वो इसमें आएंगे। एंड इससे अब हम इसके क्लिक पे इस वैल्यू से हमें इसको फिल्टर करना है। तो वो कैसे करेंगे यहाँ पर, तो हम सबसे नीचे आके जहाँ पर हमने ये फॉर्म किया था, मतलब किसके अंदर आएंगे, डॉम कंटेंट लोडर के अंदर, इसके अंदर आके यहाँ पर एंड इससे जस्ट पहले जहाँ लोड कराने हैं यहाँ पर मैंने कर दिया फिल्टर टैब्स, यहाँ पर उनके लिए हम लिख रहे हैं। तो हमने सबसे पहले हम कैसे सेलेक्ट करेंगे, फिल्टर्स हमने सेलेक्ट कर रखे हैं टॉप में, ये देखिए फिल्टर्स, एंड इस फिल्टर पे हमें क्या करना है, फॉर ईच करना है यहाँ पर, फॉर ईच, एंड फॉर ईच में क्या होगा, हर एक टैब पे हमें क्या करना है, इस तरह से हमने किया। तो हर एक टैब पे हमें क्या करना है, यहाँ पर टैब पे एड इवेंट लिस्नर, एड इवेंट लिस्नर कौन सा इवेंट है हमारा, क्लिक इवेंट, एंड यहाँ पर हमने फंक्शन ई, फंक्शन क्यों लिया है, क्योंकि हमें दिस चाहिए यहाँ पर इसलिए, नहीं तो हम एरो फंक्शन भी यूज कर सकते थे। तो हमने लिखते हैं ई प्रीवेंट डिफॉल्ट, एंड इसके बाद यहाँ पर हमें क्या करना है, कॉन्स्ट टैब टाइप, मतलब टैब का टाइप क्या है, क्या है उसमें। तो हमने किया दिस डॉट गेट एट्रीब्यूट, एंड यहाँ पर हमने किया डाटा टाइप, इससे हम वैल्यू निकाल लेंगे उसकी क्या वैल्यू है। तो अगर मैं जस्ट आपको यहाँ पर बताऊँ अलर्ट करके कि क्या हमें मिल रहा है यहाँ पर, किस तरह से हमें टैब टाइप मिल रहा है यहाँ पर, तो देखिए मैं इसको जस्ट टू डू डन एंड यहाँ पर आपके ऑल, मतलब हमें क्लिक पे ये तो मिलने लगा कि हमें करना क्या है, उसकी वैल्यू क्या है वहाँ पर। एंड अब हमें क्या करना है कि जैसे हम जिस पे क्लिक कर रहे हैं तो वो सेलेक्टेड हो जाना चाहिए, बाकी ये मतलब इस तरह से हो जाना चाहिए, तो एक्टिव हो जाना चाहिए वो। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि ये जो भी हैं, मतलब हमारे जितने ये एल आई के अंदर जो ये तीन एल आई हैं या जितने भी एल आई हैं उनके अंदर जो एंकर है उस पर जो एक्टिव क्लास है वो रिमूव हो जानी चाहिए, एंड करंट वाले के अंदर जो एंकर है उस पर एक्टिव ऐड हो जाना चाहिए। तो उसके लिए हम कैसे करेंगे, हमें पहले तो अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले यहाँ पर जो भी एंकर है जहाँ हमें नैब लिंक क्लास मिल रही है, इस नैब लिंक के अंदर जहाँ भी एक्टिव क्लास है उसको हमें रिमूव करना है। तो वो कैसे सेलेक्ट करेंगे, हम डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑल, एंड हमें देना है यहाँ पर अपना नैब लिंक डॉट फॉर ईच, एंड फॉर ईच के अंदर हमें एक नैब है, एंड इस नैब के अंदर हमें हर नैब पे जाके नैब डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव एक्टिव क्लास। फ्रेंड समझ में आया कि नैब लिंक मतलब जो भी एंकर है जिसपे नैब लिंक क्लास है उसमें जाके हमें एक्टिव क्लास को रिमूव कर देना है यहाँ से, एंड साथ में क्या करना है, दिस डॉट फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड, दिस डॉट का मतलब करंट जो एल आई है, जो भी करंट एल आई है उसके फर्स्ट चाइल्ड का मतलब इस एंकर पे, किसी भी इस एंकर के अंदर जाके हमें
एक क्लास ऐड करनी है डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड, एंड क्या ऐड करना है, एक्टिव क्लास, इस तरह से हमें ऐड कर देना है। तो देखिए जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए सेलेक्ट होने लगा, जिस पर हम क्लिक कर रहे हैं वही सेलेक्ट हो रहा है, एक्टिव हो जा रहा है, बट अभी वर्क फिल्टर नहीं हो रहा है। तो उसको हमें क्या करना होगा इसके बाद में, हमें इसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना है कि जो वैल्यू हमें मिल रही थी यहाँ पर, ये टैब टाइप के हिसाब से हमें फिल्टर करना है। यहाँ पर गेट आइटम फिल्टर, यहाँ पर एक हम फंक्शन बनाते हैं गेट आइटम फिल्टर, आइटम्स फिल्टर, एंड यहाँ पर हमें क्या करना है टैब टाइप, अपना जो टाइप है वो पास कर देना है। तो मैं इसको सबसे पहले यहाँ पर ऊपर एक फंक्शन बना लेता हूँ यहाँ पर फिल्टर आइटम्स, एंड यहाँ पर हमने क्या कॉन्स्ट एक फंक्शन लिया यहाँ पर, एंड यहाँ पर हमने कर दिया टाइप। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक फिल्टर आइटम्स एक एम्प्टी अरे ले लिया, एंड यहाँ पर हमने स्विच केस किया है कि की हमारा क्या रहेगा टाइप, एंड इसमें भी क्या वैल्यू होगी, पहले हमने किया टू डू, एंड दूसरा हमने केस लिया यहाँ पर, केस डन वाला केस हो गया हमारा, इसका भी हमने ब्रेक कर दिया इसको इस तरह से। तो हमारे पास क्या केस है, एक तो टू डू वाला केस है, एक है डन, एंड डिफॉल्ट में हमारे ऑल आ जाएंगे जो भी है हमारे। तो डिफॉल्ट में हम यहाँ पर क्या करेंगे देखते हैं, पहले हमें टू डू में क्या करना है, टू डू में हमें क्या करना है कि फिल्टर आइटम्स जो है हमारे फिल्टर आइटम्स, इसमें हमने क्या करना है टू डू आइटम्स डॉट, एक फिल्टर मेथड होता है अरे का, एंड इसमें हम क्या करते हैं फिल्टर करेंगे कैसे आइटम, एंड हर मतलब आइटम से हमें, एंड कौन से आइटम चाहिए जिसमें आइटम की इज डन जो प्रॉपर्टी है वो हमारा फॉल्स होनी चाहिए। दैट मींस कि हमारे टू डू वो होंगे जिनकी हमारी जो इज डन जो है वो फॉल्स होगा। तो इस तरह से हमने फॉल्स को लिख दिया, वो आइटम हमें चाहिए जिसकी इज डन प्रॉपर्टी फॉल्स होगी, वो फिल्टर होके हमें आइटम फिल्टर्स में हो जाने चाहिए। एंड इसी तरह से हमारे डन में क्या होगा, मैं जस्ट इसकी कॉपी कर लेता हूँ, एंड डन वाले कौन से आइटम्स होंगे जिसकी प्रॉपर्टी ट्रू होगी, बस ऐसे। एंड हमारे डिफॉल्ट में क्या हो जाएगा, फिल्टर आइटम्स कौन से होंगे हमारे, जस्ट टू डू आइटम्स, मतलब सारे आइटम्स जो है हमारे फिल्टर हो, मतलब फिल्टर क्या हमें ऑल चाहिए फिर उसके इसमें। एंड जैसे ये फिल्टर हो जाते हैं यहाँ पर, हमें जस्ट इसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पर गेट लिस्ट फंक्शन कॉल कर लेना है और अपना फिल्टर आइटम्स को यहाँ पर पास कर देना है। इस तरह से हमने यहाँ पर फिल्टर आइटम्स पास कर लिए गेट लिस्ट में, मतलब क्या गेट लिस्ट में पहले हमारे टू डू आइटम्स थे, बट अभी हमने क्या किया गेट लिस्ट में जब ये फंक्शन कॉल होता है तो हमने जो फिल्टर होके आए उनको हमने पास कर दिया। तो अब हम देखिए यहाँ पर जैसे इसको क्लिक करेंगे यहाँ पर कुछ एरर आ रही है 14। ओके फ्रेंड्स यहाँ पर ये गलती होगी, मैंने कांस्टेंट ले लिया, इसको लेट लेना चाहिए एक्चुअली, तभी हम इसको कर पाएंगे, कांस्टेंट की वैल्यू तो चेंज ही नहीं होती है। ओके फ्रेंड्स जल्दी में यहाँ पर ले लिया, बट इसको लेट लेना है, हमें लेट या वेयर कुछ ले सकते हैं। तो देखिए अभी देखिए हमारे फिल्टर हो जाते हैं यहाँ पर ऑल में सारे आ जाते हैं। अब मैं कुछ और ले लेता हूँ यहाँ पर रिएक्ट प्रोजेक्ट एंगुलर प्रोजेक्ट एंड टू डू प्रोजेक्ट, ऐसे कुछ भी हमने अपने आइटम्स यहाँ ऐड कर लिए। एंड देखिए जैसे अगर मैं इसको टू डू करूँगा तो टू डू में हमारे वो आ रहे हैं जो यहाँ पर टिक नहीं है, एंड कंप्लीटेड में एक आ रहा है यहाँ पर। तो हमारा फिल्टर तो वर्क कर रहा है यहाँ पर, अब फिल्टर भी होने लगा हमारा, बट जैसे ही मैंने यहाँ पर किया तो देखिए यहाँ पर हमारे दो तो आए, बट यहाँ पर हमें फर्स्ट टाइम में वो चेंज नज़र नहीं आता। जैसे हम यहाँ पर करते हैं तो जैसे मैंने यहाँ पर टिक किया तो ये टिक रहता है, मतलब यहाँ से हमें जैसे ही चेंज करते हैं तब ये चेंज नहीं होता। तो ये चेंज करने के लिए भी हम यहाँ से कर सकते हैं इसको। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक चीज़ और हम ये कर सकते हैं कि जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो जैसे उसका स्टेटस चेंज होता है तो फिल्टर मेथड भी हमारा सॉरी फिल्टर जो फंक्शन है वो कॉल हो जाना चाहिए, एंड यहाँ फिल्टरिंग में होने लगी। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें अपना जो ये
मतलब ये जो वैल्यू है यहाँ पर टैब की वैल्यू, जो फिल्टरिंग की वैल्यू है, उसको हमें कहीं हिडन में रखना पड़ेगा, जिससे कि हमें पता रहना चाहिए कि बाय डिफॉल्ट अभी। तो हम क्या कर सकते हैं, एक ऐसे हमने यहाँ पर हिडन ले लिया एंड इसको बोलेंगे हम, कुछ भी नाम दे सकते हैं यहाँ पर, टाइप बोल सकते हैं, कुछ भी ले लीजिए, यहाँ पर टैब ले लीजिए, टैब वैल्यू मतलब टैब। एंड इसकी जो बाय डिफॉल्ट इसमें ऑल कर देते हैं हम यहाँ पर, एंड जैसे ही यहाँ पर जो हम इसको क्लिक करते हैं तो इसकी जो ये करंट वैल्यू है, जो भी हमने टैब वैल्यू है, ये वैल्यू हम यहाँ पर असाइन कर देंगे इसमें। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ जस्ट ये आइटम फिल्टर होने के बाद में यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, एंड हमने यहाँ पर इसकी आईडी से इसको सेलेक्ट कर लिया, एंड इसकी जो वैल्यू थी इस वैल्यू में हमने ये वाली वैल्यू अपनी जो हमने यहाँ पर टैब टाइप निकाली थी इसको हमने असाइन कर दिया। एंड इसकी वैल्यू का हमें फ्रेंड्स कहाँ पर गेट करना है, जब हम यहाँ पर ये कर रहे हैं, ये जो हमने डन वाला जो ऑप्शन था, तो हमने यहाँ पर जब क्लास चेंज की जस्ट इसके बाद में हमने यहाँ पर इसकी जो फिल्टर को है, हमने यहाँ पर इस तरह से कॉन्स्ट फिल्टर वैल्यू इज इक्वल टू इसकी वैल्यू यहाँ से गेट कर ली। एंड यहाँ पर हमने किस फंक्शन को कॉल किया है, हमने गेट फिल्टर, एंड गेट फिल्टर को यहाँ पर हम कॉल करेंगे इस तरह से, एंड फिल्टर वैल्यू को हमने यहाँ पर पास कर दिया, फिल्टर टाइप कह लें या वैल्यू कह लें, मैं इसको कुछ और दे देता हूँ फिल्टर टाइप। तो हमने देखी जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ तो पता नहीं चल रहा है, बट टू डू में जब जाएंगे आप, टू डी जैसे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ देखिए ब्लैंक हो गया, सारे कंप्लीट हो चुके हैं। एंड यहाँ पर भी फ्रेंड्स एक चीज़ और हमें जब देखनी है कि जब हम यहाँ पर हमारे जो रिकॉर्ड्स हैं वो जब एम्प्टी हो जाते हैं या कोई रिकॉर्ड नहीं, तो हमें यहाँ पर एक मैसेज देना चाहिए कि कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो उसके लिए हम कैसे लिखेंगे, हम यहाँ पर जब लिस्ट करा रहे हैं गेट लिस्ट में, हमने यहाँ पर चेक किया था लेंथ, एंड इसके एल्स केस में यहाँ पर हम जस्ट इसी की एक कॉपी ले लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हमें ये वाली जो लिस्ट है यहाँ पर स्पैन नहीं चाहिए ये वाला, एंड यहाँ पर हमें वैल्यू चाहिए इस तरह से, इसकी जरूरत नहीं है, यहाँ चाहिए नो रिकॉर्ड फाउंड। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, जैसे आएंगे नो रिकॉर्ड फाउंड, एंड यहाँ से हमें कुछ हमें ऑल रिकॉर्ड्स हैं, यहाँ पर टू डू में दो हैं, जो टू डू में आप यहाँ देखेंगे तो दो हैं, एंड कंप्लीटेड में हमारे पास इस तरह से है। जैसे ही मैं यहाँ से कोई एक जैसे मैंने किया यहाँ से रिमूव हो जाता है, वो यहाँ आ जाता है, एंड ऑल में तो ऑल है यहाँ से। तो इस तरह से हम यहाँ पर फिल्टर भी कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पर जो हमारा मेन जो रह गया यहाँ पर, कि जैसे हम यहाँ कर रहे थे कि हमें यहाँ पर एक अलर्ट दिखाना था, वो भी कर लेते हैं हम लोग यहाँ से, कैसे करते हैं। तो उसके लिए फ्रेंड्स मैं यहाँ पर एक फंक्शन बना लेता हूँ। तो फ्रेंड्स फंक्शन के लिए जो हमें जो मैसेज अलर्ट दिखाना है, उसके लिए सबसे पहले तो यहाँ पर जो हमने एक डिब ली थी, इस डिब को हमें सेलेक्ट करना है, मैसेज आईडी है इसकी। तो मैंने क्या किया, इसकी जस्ट कॉपी बना ली एक, एंड यहाँ पर ले लिया मैसेज, इसको मैंने बोला यहाँ पर अलर्ट डिब, एंड यहाँ पर एक फंक्शन बनाएंगे const alert message इस तरह से लिखेंगे फंक्शन सिंटैक्स फंक्शन एक्सप्रेशन में। एंड यहाँ पर हम क्या लेंगे, इसको सबसे पहले एक तो एक हमें मैसेज चाहिए क्या दिखाना है, दूसरा उसके लिए कौन सी क्लास, क्लास का मतलब उसमें स्टाइल सक्सेस दिखाना है या एरर मैसेज दिखाना है, उसके हिसाब से। तो यहाँ पर हमने इसके अंदर हमें सबसे पहले हम इसको कंसोल डॉट लॉग करते हैं, एंड मैं आपको मैसेज दिखा देता हूँ कि मैसेज हमें मिल रहा है नहीं मिल रहा है। तो ये हम मैसेज अलर्ट मैसेज कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे, सबसे पहले तो हमें यहाँ यूज़ करना है जहाँ हमने कंसोल किया था, कि जब हमने कोई एंटर नहीं किया था वैल्यू, एंड यहाँ पर इस तरह से। एंड इसमें हमने क्या किया, पहले तो यहाँ पर मैसेज दिया
प्लीज एंटर नेम एंड सेकंड कोई एक वैल्यू दे देते हैं, अलर्ट डेंजर दे दिया हमने इस तरह से, इसको यूज करेंगे अभी। तो जैसे ही मैं इसको देखिए क्लिक करता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ आ जाता है प्लीज एंटर नेम, तो ये हमें मिल रहा है। अब इसको हमें यूज कैसे करना है, अब ये फंक्शन को हमें, अब यहाँ पर आके हमें, मैं इसको भी रिमूव कर देता हूँ कंसोल मैसेज के लिए। एंड सबसे पहले हमें मैसेज डिव में जो सबसे पहले यहाँ पर अलर्ट अलर्ट डिव इनर एचटीएमएल हमें मैसेज करना है, ये मैसेज को हमें इसके इनर एचटीएमएल में पास करना है इस तरह से। सबसे पहला काम जो हमारा अलर्ट डिव है, इसमें हमें क्लास लिस्ट एंड यहाँ पर क्लास ऐड करनी, कौन सी ऐड करनी, एक तो हमारी ये जो क्लास नेम है ये वाली, एंड दूसरा हमें क्लास एक करना है शो क्लास, ये हमने क्लास बनाई नहीं, मैं उसको बना लेता हूँ आपको। यहाँ पर एक क्लास और बनाते हैं यहाँ पर डॉट शो, एंड इसमें क्या करेंगे डिस्प्ले ब्लॉक एंड एक क्लास हाइड बनाएंगे, एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे डिस्प्ले नन, मतलब इसको हाइड करना है। अब इस क्लास को हमें यहाँ पर यूज़ करना है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है कि यहाँ पर एक वो क्लास जो हम पास कर रहे हैं, मतलब वहाँ से एज आर्गुमेंट पास कर रहे हैं वो, एंड सेकंड हमने शो क्लास, इसका मतलब क्या है कि हमें मैसेज को शो करना है, एंड ये क्लास उस काम के लिए है कि जिसके लिए हमें उसका मीन्स एरर मैसेज है या फिर सक्सेस है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर। तो ये हमें यहाँ पता है कि हमें शो करना है, तो इसलिए हमने यहाँ फिक्स रख लिए। एंड दूसरा यहाँ पर हमें यहाँ से क्या करना है, कौन सी क्लास को रिमूव करना है, हाइड क्लास, अगर हाइड क्लास यहाँ पर है तो उसको रिमूव कर देना है इस तरह से। तो पहले देखिए कैसे दिखता है, जैसे मैं एंटर करूँगा तो यहाँ पर प्लीज एंटर नेम ये आ जाता है। ओके, तो अभी हमारे जो क्लास है वो यहाँ पर ऐड नहीं हो पा रही है, एंड रिमूव में हमें सिर्फ यहाँ से एक ही रिमूव करनी है यहाँ पर। एंड अब दोबारा से हम इसको देखते हैं, अगर हम यहाँ से करते हैं तो देखिए यहाँ पर प्लीज एंटर नेम, तो यहाँ पर हमें नेम के लिए बोलता है ये, तो इस तरह से। लेकिन अब ये क्लास हमारी क्या है, यहाँ पर ये मैसेज हमेशा ऐसे रह रहा है, हम चाहते हैं इसको मैसेज कुछ टाइम के बाद में ये हाइड हो जाए, तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, सेट टाइम आउट एक फंक्शन, इसमें कुछ टाइम के बाद में हम इसको क्या करना चाहते हैं, ये जो दो चीज़ें मैं इसी को देखिए कॉपी कर लेता हूँ, मुझे क्या करना है यहाँ पर, जो हमने यहाँ पर शो क्लास थी, एक तो हमें शो क्लास को रिमूव कर देना है यहाँ पर, एंड ऐड कौन सा करना है यहाँ पर, हाइड को ऐड करना है, मतलब हमें हाइड कर देना है, तो हमें यहाँ से हाइड क्लास को ऐड करना है, शो को रिमूव करना है, दैट मीन्स कि हमें हाइड करना है। एंड कितने टाइम के बाद करना है, यहाँ पर हम कुछ भी टाइम देते हैं, मैंने 3 सेकेंड दे दिया यहाँ पर, 3000 दैट मीन्स कि 3 सेकेंड, एंड इसके बाद हमें जस्ट यहाँ पर इसको रिटर्न करना है, कुछ नहीं करना है यहाँ पर। तो देखिए जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ, देखिए 3 सेकेंड के बाद वो ऑटोमेटिक चले जाते हैं यहाँ से, एंड ये आइटम हमारे अभी कंसोल में लॉग हो रहे हैं, हमने कहीं कंसोल कर दिया है, तो उसको हम हटा सकते हैं, शायद मैंने यहाँ कहीं पर लिखा था, ठीक है वो हम लोग कभी भी कर सकते हैं, ये हमने यहाँ पर किया है, मैं इसको अभी कमेंट कर सकता हूँ, एंड देखिए वो हमारा हट गया यहाँ से। तो यहाँ पर हमें ये मैसेज दिखाना था, अब जैसे ये सक्सेस हो जाता है तो हमें क्या करना है, सिंपल से इस मैसेज को ही हमें जो हमने यहाँ पर जो ये अलर्ट मैसेज वाला जो हमारा है, इसको हमें जस्ट कॉल करना है। हमें क्या करना है यहाँ पर, जैसे हम ये ऐड कर देते हैं, अपने अकॉर्डिंग हम अपने यहाँ पर मैसेज को पास कर सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि हमारा जब ऐड हो जाता है यहाँ पर, यहाँ देखिए हमने जब पुश किया था यहाँ पर, तो यहाँ इसके बाद जस्ट यहाँ पर कॉल कर सकते हैं इसको, इस फंक्शन को यहाँ लिख देते हैं न्यू आइटम हैज़ बीन
एडिड, एंड यहाँ पर हमें क्लास कौन से पास करने हैं, बूटस्ट्रैप की क्लास होती है, अलर्ट सक्सेस। एंड इसी तरह से हमें यहाँ पर एक जब अपडेट हो रहा है तब भी हम कर सकते हैं, तो अपडेट के केस में भी यहाँ पर हम कर सकते हैं, जब हम अपडेट कर रहे हैं इसके बाद जस्ट यहाँ पर हम एंड यहाँ बोलेंगे हैज बीन अपडेटेड, इस तरह से हम कर सकते हैं यहाँ पर। एंड जब डिलीट कर रहे हैं तो डिलीट के टाइम पे भी कर सकते हैं, जब हम डिलीट करते हैं यहाँ पर तो यहाँ पर देखिए ये मैंने इसको चेंज नहीं किया है, ये एक्चुअली डिलीट के लिए यहाँ पर, डिलीट के केस में भी यहाँ पर जब हम कर रहे हैं तो डिलीट कर सकते हैं इसको। डिलीटेड एंड मुझे अपडेट के टाइम पे न्यू नहीं लिखना है, यहाँ थोड़ा देखना है, आइटम हैज बीन अपडेटेड। तो देखिए अब यहाँ पर हम जब इसको नया आइटम में करता हूँ न्यू टास्क, देखिए जैसे मैंने ऐड किया न्यू आइटम हैज बीन एडेड, अब मैंने यहाँ पर इसको अपडेट किया, इसको मैंने कर दिया पीएचपी प्रोजेक्ट, अपडेट किया PHP प्रोजेक्ट, आइटम हैज बीन अपडेटेड। एंड जैसे ही हमने यहाँ पर टू डू प्रोजेक्ट में मैंने इसको किया डिलीट, कैंसिल कुछ नहीं, जैसे मैंने इसको किया ओके डिलीट, आइटम हैज बीन डिलीटेड, तो यहाँ प्रॉपर हमने मैसेज भी दे दिया। एंड यहाँ देखिए हमारा फिल्टरिंग भी हो रही है इस तरह से, मैं एक दो आइटम को यहाँ से देखिए, दो आइटम्स को मैंने टू डू में कर दिया, अभी ऑल में सारे आएंगे यहाँ पर, टू डू में आपके फिल्टर हो जाते हैं, कंप्लीटेड में कंप्लीटेड वाले आएंगे। तो फ्रेंड्स ये एक तरह से हमारा जो प्रोजेक्ट था वो कंप्लीट हो चुका है। तो इस प्रोजेक्ट में हम लोगों ने क्या क्या सीखा, हमने सीखा कि कैसे हम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल डॉम के एलिमेंट्स को किस तरह से मैनिपुलेट करते हैं, कैसे सेलेक्ट करते हैं, कैसे उसमें क्लास चेंज करते हैं, कैसे क्लास ऐड करते हैं, किस तरह से हम वैल्यू को फैच करते हैं, एंड हमने देखा कि हम लोकल स्टोरेज पर किस तरह से अपने डाटा को स्टोर करते हैं, किस तरह से रिट्रीव करते हैं, कैसे अरे के इंडेक्स को फाइंड करके उसके एलिमेंट को हमें अपडेट करना, उसमें कोई ऑब्जेक्ट को अपडेट करना। तो ये फ्रेंड्स आई होप कि आपको प्रोजेक्ट पसंद आया होगा, अगर ये प्रोजेक्ट आपको पसंद आया, आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, एंड फ्रेंड्स अपने फीडबैक जरूर हमें शेयर करें कमेंट सेक्शन में। और फ्रेंड्स अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ या नए प्रोजेक्ट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।